यस चांग बुकिंग हाँ देखिए मैडम मेरा नंबर 313620 है। क्या शोर मचा रखा है, मुझे एक ट्रंक कॉल तो करने दो। यस मैडम माय नंबर इज 361224। यस आई वांट एन अर्जेंट कॉल टू होटल सेवा आई मसूर। यस थैंक यू वेरी मच। डैडी ये मसूरी कौन जा रहा है? हम सभी लोग जा रहे हैं बेटे। लेकिन ये अचानक मसूरी जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? बात ये बेटी कि तुम्हारी माँ को अभी अभी एक तार मिला है। इनकी कोई सहेली है लेडी प्रिया मलिक, उन्होंने बुलाया। क्यों? अरे ये सब बाद में बताना। रेखा जल्दी से जाए, टाइम कम है, अपना जल्दी से पैकिंग कर ले। और हाँ अच्छी अच्छी साड़ी और कुछ गहने भी रख लेना। आखिर कुछ पता भी तो चले, इस तरह अचानक हम लोग मसूरी क्यों जा रहे हैं? बाद में बता दूंगी, अभी वक्त कम है, जा जल्दी से पैकिंग कर। एक जुमले की तो बात है, अभी बता दो ना, आखिर बात का ताल्लुक तो इसी से है। कह दिया ना बाद में बता दूंगी। ऐसी क्या खास बात है डैडी, तुम ही बता दो ना। बेटी इन्होंने तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई है लेडी प्रिया के जरिए। वो लड़का आजकल मसूरी में ही है, इसलिए ये चाहती है कि तुम वहां जाकर। पर वो श्रीमान जी हैं कौन? सर शंकर दयाल का नाम सुना है ना तुमने? सुना कि नहीं होगा, करोड़पति आदमी है। हाँ उन्हीं का लड़का है प्रताप। ओ बहुत अच्छा लड़का है, निहायत शरीफ, बिल्कुल अप टू डेट। यहाँ तो बहुत कम रहता है, ज्यादातर विदेशों में रहता है, कभी लंदन, कभी फ्रांस, कभी स्विट्जरलैंड। अरे वाह, अगर मैं शादी कर लूँ तो मुझे हर जगह जाने को मिलेगा। और नहीं तो क्या, रानियों महारानियों जैसी रहेगी। गहने पहनकर महलों में बैठना पड़ेगा। बेटी बेस्ट ऑफ होटल्स। पर माँ अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो? अरे वाह, प्रताप ने तो तुझे पहले ही पसंद कर लिया है। पसंद कर लिया है? हाँ। वो कैसे? तेरा फोटो जो भेजा था। ओह तो फोटो भी भेजा जा चुका है। सत्य है, बस एक बार अब आपस में तुम दोनों एक दूसरे को देख लो। यानी वो मुझे सामने देखकर पसंद कर ले, यही ना? हाँ हाँ। मैं मसूरी नहीं जाऊंगी। क्या नहीं जाएगी? नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ। तुम अपनी मर्जी से मेरे गले में रस्सी बांधकर जिसे चाहोगी सौंप दोगी, तुम्हें मेरी पसंद नापसंद की कोई परवाह नहीं। मैंने भी देख सुन के लड़का पसंद किया है, तू देखेगी तो तू भी पसंद करेगी। इतने बड़े घराने का है, हाई सोसाइटी में इतनी इज्जत है उनकी, और क्या पसंद करना है। ये तुम्हारी पसंद है, तुम्हारी ये हाई सोसाइटी और अमीर ठाट बात का मुझे कोई मोह नहीं। मैं हर किसी शादी नहीं करूंगी। ये क्या कर रही हो? सीपियां उठा उठा कर फेंक रही हो? सीपियों का मैं क्या करूंगी, मैं तो मोती ढूंढ रही हूँ। मोती? हाँ। मोती मिलना इतना आसान है क्या? जानती नहीं क्या, जिन सीपियों में मोती होते हैं वो गहरे पानी में ही मिलती हैं। किस्मत में हो तो वो खुद ब खुद ही किनारे आके मिल जाते हैं। सिर्फ समुद्र के किनारे ही नहीं, समुद्र से बहुत दूर भी आके मिल जाते हैं, जैसे कि तुम ही मुझे आके मिले थे दार्जिलिंग में। अपनी पहली मुलाकात की वो घटना तुम्हें याद है रेखा? ऐसी घटनाएं जीवन में बार बार थोड़ी आती हैं जो मैं भूल जाऊं। मुझे खूब अच्छी तरह याद है, उसी शाम हम दार्जिलिंग पहुंचे थे। रात को खा पी कर मैं कोई किताब पढ़ रही थी, तभी अचानक एक गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी, आवाज़ को ढूंढने के लिए मैं बाहर निकली। के नाम आई बहारों की शाम, क्या जाने फिर किसके नाम। ठंडी हवा भीगी फिजा
जाने फिर किसके नाम आई बहारों की शान। सितारों ने बांधा गगन पर समा जैसे खिलते गुलों का, सितारों ने बांधा गगन पर समा जैसे खिलते गुलों का, सुनसान सपनों भरी वादियों में चांदनी से सजे रास्तों का घटाने किया इंतजाम। क्या जाने फिर किसके नाम आई बहारों की शान। ओ किस दिल रुबा की मोहब्बत के रंगी तराने, मैं गाता हूँ किस दिल रुबा की मोहब्बत के रंगी तराने, कौन आने वाला है तन्हाइयों में चुपके ये दिल में न जाने धड़कता है किसका बयान। क्या जाने फिर किसके नाम आई बहारों की शान। क्या जाने फिर किसके नाम के नाम आई बहारों की शान। कौन है आप? छोड़ी मुझे। आप कौन है? इसके आपको पता? छोड़ी मुझे। छोड़ता हूँ मगर आप मुझे छोड़िए वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। आप पुलिस को क्या बुलाएंगी? पुलिस को मैं बुलाऊंगा। खुदकुशी कर रही थी? खुदकुशी? ये क्या बकवास है? छोड़िए मुझे। यूँ नहीं छोड़ूंगा मैं, छोड़ू और आप फौरन नीचे कूद पड़े। नीचे? जी हाँ, देखिए दो कदम भी आगे बढ़ते तो वापस नहीं आ पाते, कोई 2000 फुट नीचे जाते। अच्छा वो आपने मुझे पकड़ लिया वरना। मगर आप तो मुझे छोड़िए जी। अच्छी बेवकूफी थी मेरी। यही बात मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ। वो देखो तुम्हारे गाने जैसी शाम फिर आ रही है। रेखा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आज सुबह से ही देख रहा हूँ रह रहकर तुम कुछ गुमसुम सी हो जाती हो। बताओ ना क्या बात? बताओ। हाँ बताओ। माँ ने मेरी शादी पक्की कर दी है। शादी किसके साथ? सर शंकर दयाल के लड़के प्रताप के साथ। ओहो, वो लोग तो बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ माँ कह रही थी प्रताप ज्यादातर यूरोप में ही रहता है, कह रही थी मुझे भी वहीं रहना होगा जाके।
अच्छा है? अच्छा है। क्यों नहीं, इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी हो रही है, ये तो बड़ी खुशी की बात। तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ। मैं शादी करके बाहर चली जाऊंगी, तुम्हें खलेगा नहीं? अब ये झूठ तो मैं नहीं बोल सकता कि तुम्हारा जाना मुझे बिल्कुल नहीं खलेगा। तुमसे मुलाकात होना मेरे लिए एक सौभाग्य था। रेखा, तुम्हारे प्रोत्साहन से मैंने बहुत कुछ पाया। तुम चली जाओगी तो शायद मेरा यह सौभाग्य भी चला जाए। बड़े स्वार्थी हो, सिर्फ अपनी ही बात सोचते हो। नहीं रेखा, सिर्फ अपनी बात सोचता तो तुम्हारी यह खबर सुनकर मुझे इतनी खुशी ना होती। खैर, शादी कब है? कभी भी कर लूंगी। हैं? आओ चलो कहीं और चले। कहाँ? चलो। आओ। तो ये घर है आपका? जी, वो कहते हैं ना कुमारे का घर। ये तस्वीर किसकी है? मेरी बुआ जी की। माँ बाप तो बचपन ही में अनाथ कर गए थे, इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया। 2 साल हुआ इनका भी साया सर से उठ गया, तब से बिल्कुल अकेला हूँ। बुआ जी मेरा गाना सुनकर कहा करती थी, एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बन जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी, एक दिन तुम्हारा बड़ा नाम होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अरे अरे, बैठो। क्या हुआ? बैठो, नहीं बैठो, देखो ये देखो। तो घर आए मेहमानों की खातिर का ये इंतजाम कर रखा है तुमने? मुझे क्या मालूम था कि कभी तुम जैसे मेहमान के मुबारक कदम भी इस घर में पड़ सकते हैं। अब तो पड़ गए ना। रेखा, 11 बज रहे, घर नहीं जाओगी? क्या तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अच्छा अजय, मान लो अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँ, तुम्हारे घर में। मेरे घर में? सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? मैं समझा नहीं। नहीं। सीधी सी तो बात है, क्या तुम भी ये नहीं चाहते कि जीवन भर में तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारे साथ रहूं? बोलो। ये सब झूठे सपने देखने से क्या फायदा रेखा? मैं सच कह रही हूँ। मगर तुमने जो कहा था, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी शादी कहीं और। मैंने इनकार कर दिया है। नहीं नहीं, तुम मजाक कर रही हो। बिल्कुल नहीं। नहीं? सच? यानी कि सच रेखा? मैं कैसे यकीन करूं रेखा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूं। रेखा, मैं पागल हो जाऊंगा। रेखा सुनो, तुम्हें कल ही आकर डैडी से बात करनी होगी। हाँ हाँ ठीक है, आके बात कर लूंगा। मगर नहीं रेखा, तुम्हारे डैडी इतने नामी ग्रामी आर्किटेक्ट हैं, मेरी जिंदगी का एक एक इंच नापेंगे। नहीं नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगी। मगर उनसे कहना तो पड़ेगा ही। हाँ, कहना तो पड़ेगा। तुम कल ही सुबह आ जाओ। अच्छा ठीक। डैडी। हाँ बेटी। जरा सुनिए, अजय आपसे मिलने आया है। अजय, बहुत दिनों बाद आया भाई। नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। गाना वाना ठीक चल रहा है ना? वो तो चलते, अक्सर रेडियो पर तुम्हारे गाने सुना करता हूँ। आज अचानक इधर कैसे आ गए? बस आप लोगों से मिलने आया हूँ। हाँ हाँ, तो बैठो। तो और बोलो भाई। जी एक जरूरी बात करनी है आपसे। मुझसे? जी हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? जी मैं आपसे कुछ मांगने आया। क्या? रेखा को। रेखा को? यानी कि तुम? जी हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम सोचते हो चाहने से ही सब कुछ मिल जाता है? जी रेखा भी इसके लिए राजी है। पर रेखा इतनी आजाद नहीं है, उसके राजी होने या होने से कुछ नहीं आता जाता।
जी, इसीलिए तो मैं आप लोगों की अनुमति लेने आया हूँ और फिर आपके आशीर्वाद से। नहीं नहीं नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी। बौने होकर चांद को छूने की कोशिश कर रहे हो? एक मामूली सा गवैया जिसका ठौर न ठिकाना मेरी लड़की से शादी करने के ख्वाब देखा है। मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। लड़की बहुत अपनी मनमानी कर चुकी है और अब बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो अजय, मैं कह देती हूँ अगर तुम फिर यहाँ आए और रेखा से मिलने जुलने की कोशिश की तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी, समझे? क्या खामखा की बातें लगा रखी हैं? तुम चुप रहो, मैं जो कुछ कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। अब तुम जा सकते हो। ठहरो अजय। जाने से पहले मेरा फैसला भी सुनते जाओ। पुलिस को इन्फॉर्म करने का कोई फायदा ना होगा क्योंकि मैं बालिग हूं। मैंने तय कर लिया है, यही मेरे पति होंगे। रेखा, तेरी ये मजाक, नालायक बेशरम। जवान लड़की को कहीं मारा जाता है? मुझे अफसोस है जय कि मेरी माँ ने इस तरह तुम्हारा अपमान किया, लेकिन ये मेरा इरादा नहीं बदल सकती। मेरे जीवन पर मेरा अपना अधिकार है, मैं ऐसे किसी और के हाथों का खिलौना नहीं बनने दूंगी। डैडी, मैं अजय को बाहर तक छोड़ के आती। इस कल की लड़की को देख रहे हो, क्या कह गई है? अरे तू खामोश क्यों खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? इसमें बोलने की कोई बात नहीं है, इसलिए। कोई बात नहीं, ये क्या कह रहे हो? देखो, इस मामले में हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसी तालीम हम लोगों ने रेखा को दिलवाई है, उसे देखते हुए हमें उसी पसंद मान लेना चाहिए। उसकी पसंद मान लेना चाहिए? तुम्हारा मतलब तुम भी? हाँ, मैं रेखा की पसंद का समर्थन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि लड़का गरीब जरूर है मगर अच्छा है। मैं ये रिश्ता कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। मत मानो, तुम्हारी मर्जी। तुम अपना घर बसाने जा रहे हो बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज तुम्हारी बुआ जी होती तो कितना धूमधाम करती। बारात यहीं से ले जाओगे ना बेटा? बात ये है मौसी, ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ है इसलिए कोर्ट में रजिस्ट्री करा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं ये सब लिखा पढ़ी का ब्याह नहीं मानती। मैं तो इसी छत पर मंडप बनवाऊंगी, पंडित को बुला के सात फेरे लगवाऊंगी, तब जाके बहू का वरन करूंगी। मगर मौसी, तुम कुछ फिक्र मत करो बेटा, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। अच्छी बात है। बोलो भला, दूल्हा दुल्हन बनने के दिन जिंदगी में बार बार थोड़ी आते हैं। देखो ना, अरे तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले। चलो चलो तैयार हो जाओ, समय हो गया है। नहीं। क्या मतलब? मैं शादी में नहीं जाऊंगी। अरे ये क्या पागलपन है, आखिर वो तुम्हारी लड़की है, कोई दुश्मन नहीं है? काम तो ऐसे ही कर रही है। तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा? नहीं, तुम भी नहीं जाओगे। ये क्या बचपना है? तुम्हारी जो मर्जी हो तुम कह सकते हो, लेकिन याद रखना मैंने भी फैसला कर लिया है। घंटे भर बाद दिल्ली की गाड़ी पकड़ूंगी और तुम भी मेरे साथ चलोगे। दिल्ली? हाँ, अब हम वहीं रहेंगे। क्यों, बम्बई ने क्या कसूर किया? ये तुम्हारी लड़की और दामाद जो यहाँ रहेंगे, और काली पुतवा के मुंह पर मैं नहीं रह सकती। सोसाइटी में लोग हमारे मुंह पर थूक रहे हैं। मालूम हो गया, सचमुच तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे बम्बई का इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर मैं दिल्ली रहने कैसे जाऊंगा? और दिल्ली में भी तो तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है। जैसे यहाँ रह के तुम वहाँ की बिजनेस देखते हो, वहाँ रह के यहाँ की बिजनेस देखना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ये बात मानने के लिए कभी तैयार नहीं। देखो मैं कह देती हूँ, मैं जहर खा लूंगी। क्या कहा? देखो, आई कमिट सुसाइड। तू अपना दिल छोटा मत करना, तेरी माँ तुझे शायद बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए घर की गुड़िया बनाकर रखना चाहती थी। बेटी, तू इनके लिए अपने दिल में नाराजगी मत रखना, तू जानती है वक्त सब खाओ भर देता है। मेरा विश्वास है भगवान सब मंगल करेंगे, तू चल। डैडी। बेटी, माँ बाप की जिंदगी में लड़की के कन्यादान का समय बड़े भाग्य से आता है, पर शायद वो पुण्य मेरे भाग्य में नहीं है।
लेकिन याद रख, तू जहां रहेगी मैं तेरे पास रहूंगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। डैडी बेटी सदा सुखी रहे, खूब पले फूले। नहीं बेटे, हंसते हुए घर से जाते हैं, रोते हुए नहीं। जा आप बोलिए। आई एक्सेप्ट यू एज माई वाइफ। आई एक्सेप्ट यू एज माई वाइफ। आप बोलिए। आई एक्सेप्ट यू एज माई हस्बैंड। आई एक्सेप्ट यू एज माई हस्बैंड। आई नाउ डिक्लेयर यू एज मैन एंड वाइफ। फिनिश। कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्त लोग सब गए? हाँ गए। 11 बजे है ना? हाँ, याद है रेखा? उस रोज जब पहली बार तुम यहाँ आई थी, तब भी 11 बज रहे थे। ये 11 बजे का समय भी खूब है, जिंदगी भर याद रहेगा। चलो। चलो। क्यों? अरे रे रे रे, ये क्या करने लगी? आज से तुम मेरे पति हो, मैं पत्नी। तुम्हें प्रणाम करके मैंने अपने जीवन की, अपने सुख दुख की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती। जिम्मेदारी सर आंखों पर, लेकिन रेखा, भिखारी शिव के गले में वरमाला डालकर गिरिराज कन्या गौरी ने दुखी वरण किया था, उसी तरह तुमने भी मुझ भिखारी के गले में माला डाली है। लेकिन देवताओं के देवता की पत्नी होने का गौरव भी तो पार्वती को ही मिला था। मैं तुमसे भी ऐसे ही गौरव पाना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। चाहे जितने भी दुख आए, तुम्हारे साथ में उन्हें हंसते हंसते झेल लूंगी। सच रेखा, तुम कितनी बड़ी हो। तुम्हें पा लेना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। जितना ही सोचता हूँ उतनी ही मेरी खुशी बढ़ती जाती है। बार बार यही कहने को दिल करता है। क्या? एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयां चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार।
साथ हमको दो जहां से प्यारा है एक तेरा साथ। लो अपना गरम पानी और सेको बैठ के। अरे तुम्हें जरा सहला कर सेक दो ना धीरे से। मैं बैठ के तुम्हारा गठिया सेकूंगी तो वहाँ खाना कौन पकाएगा? ना जाने क्या हो गया है तुम्हारी दिल्ली को। कहाँ तो पहले इतनी नौकर चाकर थी इस घर में और अब वो ढूंढे से एक भी नहीं मिलता। अब वो तुम्हारी बचपन वाली दिल्ली नहीं रही। आजकल सब घेराओं और जुलूसों में जाने लग गए हैं। मुनाफे का मुनाफा और तमाशे का तमाशा, मेहनत कौन करे। मेरा तो दम निकल गया घर का काम करते करते और ऊपर से तुम्हारा ये गठिया। इसीलिए कहा था ना कि इतने जाड़े में दिल्ली न चलो, मगर तुम ना मानी। अब भुगतो। भुगत लूंगी। अच्छे खासे बंबई में रहते थे, यहाँ आकर खुद भी परेशान होती हो, आंसू बहाती हो और अपना मेकअप खराब करती हो। तुम अपने तानों से बाज नहीं आओगे। लो बैठो और सेको अपने आप। जला दिया ना। तू क्या कर रही है यहाँ पे? भाग गया थे? मुझसे इतना काम नहीं होता, हर वक्त काम काम, ये कर वो कर। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, जिस घर की बहू हूँ, कोई नौकरा नहीं तो हूँ नहीं। अरे क्यों बड़बड़ा रही है? क्या घर की बहुएं काम नहीं करती हैं? और कौन सी लाख साल की बेटी आई है तू? आंखें हो तो सामने देख, इतने बड़े घर की बेटी आई है अजय की बहू, मगर सारा काम अपने हाथ से करती है, तेरे जैसे झगड़ती नहीं है। अब बताओ ये क्या करने लगी? क्यों? देखो अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा, वंडरफुल, लेकिन तुम्हारा ये सब करना अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या हो गया? मैं आप अपना घर नहीं संवारूंगी तो क्या कोई और आके संवार जाएगा? मैं नहीं जानता था तुम इतनी अच्छी घरवाली साबित होगी। अब भला देखो, ये देखकर कोई कह सकता है कि मेरी वही पुरानी काल कोठरी है? तुमने तो इसका हुलिया ही बदल डाला। अभी क्या, जब हम अपना नया घर बनवाएंगे तब देखना। नया घर? क्यों, हम हमेशा ऐसे थोड़ी रहेंगे। एक बार तुम्हारा नाम हो जाए बस, फिर हम एक अच्छा सा फ्लैट खरीदेंगे, खूब बड़ा सा। कहती जा, सुनना बड़ा अच्छा लगता है। बेडरूम का रंग होगा लाइट सिल्वर ग्रीन। लाइट सिल्वर ग्रीन। ड्राइंग रूम का प्रिंसेस ग्रे। प्रिंसेस ग्रे। हैवी मॉस ग्रीन के वेलवेट के पर्दे। वेलवेट के पर्दे। फर्श पर काला मोज़ेक। काला मोज़ेक। मजा हो रहा है? नहीं नहीं, मैं भला कभी जुर्रत कर सकता हूँ कि इतने नामी ग्रामी आर्किटेक्ट की लड़की का मैं मजाक उड़ाऊं? मैं तो जरा कल्पना कर रहा था कि वो फ्लैट कैसा होगा, दीवारों का रंग, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, बेडरूम, ड्राइंग रूम और क्या, बच्चों का रूम, जहाँ एक छोटी सी गुड़िया रहेगी। नहीं गुड्डा। नहीं नहीं, मुझे तो लड़की चाहिए। नहीं लड़का। अच्छा अच्छा, लड़का और लड़की दोनों सही। हाँ, तुमने अपनी माँ को लिखा क्या? यही कि वो बहुत जल्दी नानी बनने वाली है। नहीं। क्यों? वो कहते हैं ना कि पहली बार जो बच्चा। किसी बार नहीं, अगर वो हम लोगों से इस तरह रूठी रह सकती हैं कि कोई खबर ना ले तो मैं उन्हें क्यों लिखूं? ये बदबू कहां से आ रही है? कुछ जल रहा है। अरे हाँ,
मैं दाल चढ़ा के आई थी। सुनते हो? सुनो क्या है? मैंने तुम्हारे लिए चाय बना के रखी गरम। और तुम्हारी चाय? मैं अभी नहीं पीऊंगी। क्यों, तुम क्यों नहीं पियोगी? मुझे पीना होती तो मैंने अपने लिए बना ली होती। तुम पियो। नहीं, तो मुझे भी नहीं पीनी। पियो ना। नहीं। क्यों झूठ में झगड़ा करते हो? लो पियो। चाय दिया। पियो ना। अच्छा थोड़ी सी। बिल्कुल नहीं। एक घूंट। नहीं, एक घूंट। देखो देखो, बस एक, ये देखो एक घूंट है ना। ढूंढ फिरे तो ये बलमा चारो धाम, ढूंढ फिरे तो ये बलमा ढूंढ फिरे, ढूंढ फिरे तो ये बलमा ढूंढ फिरे। सुनिए साहब, पान ले जा रहे हैं। हाय हाय हाय, ये पान नहीं मेरी जान, ये तो खास पान है चंपा बाई जी के लिए। के माम वाले। मैं तो ये कह रहा था, सेक्रेटरी साहब मेरा नंबर कब आएगा? अरे साहब नंबर आ जाएगा, बैठ जाइए बैठ जाइए। मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे जरा जल्दी है, घर पर वाइफ की तबीयत खराब है। ओहो, आपकी वाइफ की तबीयत खराब है तो मैं क्या यहाँ से दवाइयाँ भिजवाऊँ? गोया आपको बुला क्या लेते हैं कि अपने सिर पे मुंह मथुरा प्रसाद जी, आपका नंबर आ रहा है, तैयार हो जाएगी। शांत हो जाइए, ये कोई कव्वाली की महफिल नहीं है, संगीत सम्मेलन है, शांत हो जाइए। अब आपके सामने पंडित दिल्ली प्रसाद मथुरा वाले, क्षमा कीजिए, पंडित मथुरा प्रसाद दिल्ली वाले पधार रहे हैं, उन्हें सुनिए। सज्जनों देखिए, हल्ला मचाने से मनोरंजन नहीं होता है, केवल कर्ण भंजन होता है। क्षमा कीजिए, देखिए, शांत रहिए और सुनिए, आ रहे हैं उस्ताद पलटे खान। परदेसिया परदेसिया साल तक मैंने याद किया है इस गाने की, आपको समझ नहीं तो मैं क्या करूं। अरे और सुनिए, तुम री तराना भैरवी लगता है कि आप उस्तादों को सुनना पसंद नहीं करते। कोई बात नहीं, अब मैं आपके सामने चंद अनारी पेश कर रहा हूँ, लीजिए। गा रहे हैं नए कलाकार अजय कुमार। पंजनिया छ
पंचन के रंग, पंजनिया छन के रंग, पंजनिया छन के रंग, बिजुरिया चमक रह जाए, पंजनिया छन के रंग। होंठ न खोले पलकों से बोले, होंठ न खोले पलकों से बोले, एक पग डोले के जियारा, धड़क धड़क रह जाए, पंजनिया छन के पंजनिया छन के रंग। झुमका उलझाए आंचल सर का, झुमका उलझाए आंचल सर का, बोझ पड़ा जो हमरी नजर का, बोझ पड़ा जो हमरी नजर का, कमरिया लचक लचक रह जाए, पंजनिया छन के राम, पंजनिया छन के राम। ये छन के राम, 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 पंजनिया छन के राम, छन के राम। आरे छन के राम, छन के राम, छन के राम, छन के राम। क्षमा कीजिए, वक्त बहुत कम है। 10 मिनट के बाद बंबई जाने वाली गाड़ी यहाँ से छूटती है। अगर वो छूट गई तो कल दोपहर तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, और घर पर मेरी बीवी की बड़ी नाजुक परिस्थिति है, इसलिए मेरा पहुँचना बड़ा जरूरी है। आज मुझे क्षमा कीजिए, फिर कभी मौका मिला तो मैं जरूर आपकी सेवा करूंगा। मैं भी साथ चाहता हूँ, मैं हर वक्त आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। शांत शांत सज्जनों, हमें ये सूचना देते हुए अतीव हर्ष होता है कि निर्णायक समिति की राय से श्री अजय कुमार इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गायक घोषित किए गए हैं, अर्थात सम्मानार्थ ये स्वर्ण पदक उन्हें प्रदान किया जाता है। अरे बेटा, क्या खाली हाथ लगता है चले आ रहे हो? मिठाई किधर है? मिठाई? मिठाई? हाँ भैया, मिठाई तो खिलानी पड़ेगी। किस बात की? लड़की हुई है, लड़की। लड़की? जा जा, माँ बेटी अच्छी तरह कह जा।
रेखा लक्ष्मी आ गई घर में। बेटी ने आते ही बाप के सर विजय का चेहरा बांध दिया। तो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मुझे गोल्ड मेडल मिला, इसे ही पहना देता हूं। मैं इसे उठा सकता हूँ? हाँ हाँ उठा। अरे वाह 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 मेरे मुन्ने, तेरे सर पर बाल तो है ही नहीं और नाम है अनिल। ऐसी सर्दी में कौन रह सकता है, मेरी तो बुढ़ापे की हड्डी पसली काफी जा रही है। क्या बहुत तकलीफ हो रही है? और नहीं तो क्या, मरी जा रही है। तो क्यों तकलीफ उठाती हो, बहुत कोप कर चुकी, अब बम्बई चलो। 3 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं रेखा के, अभी तक हमने उन लोगों का मुँह भी नहीं देखा। तुम्हें कोई शर्म नहीं है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ओहो, तुम तो खाम खा का कॉम्प्लेक्स लिए बैठी हो, जैसे बंबई वालों को और कोई काम ही नहीं है तुम्हें शर्मसार करने के सिवा। है? और फिर अब तो अजय भी काफी शोहरत हासिल कर चुका है, अच्छे गवैयों में उसका नाम आता है। मुमकिन है तुम्हारी वो सहेलियां जिनकी वजह से तुम यहाँ पर मुंह छुपा कर बैठी हुई हो, अजय की तारीफ के पुल बांधती हो। क्यों जी, तुमने अजय का गाना सुना है कभी? मुझे नहीं सुनना है, तुम सुनो और गाओ उसके गुण। तुम क्या समझो, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। नहीं नहीं तुम नहीं, ए, मिसाल है ये। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आपका नाम अजय कुमार है? जी हाँ। मुझे पहचाना आपने, मेरा नाम मगनलाल है, मगनलाल। 4 साल पहले नागपुर म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आपको मिला था, आपको अवार्ड मिला था, वो डार्लिंग गोल्ड मेडल, तालियों से हाल गूंज उठा था। आप बड़े अच्छे वक्त पर मिल गए, आइए मेरे साथ। लेकिन मुझे यहाँ एक जरूरी काम है। अजी, इससे जरूरी और क्या काम होगा डार्लिंग, चलिए मेरे साथ, आपके सब काम बन जाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर टैक्सी। ये लीजिए, आ गया अपना ऑफिस। फिल्म कंपनी का ऑफिस है? हाँ हाँ, बहादुर फिल्म। अरे इसमें क्या करना, प्ले फिल्म कमान है ये। मनोहर भाई, जो आप पिक्चर में सारा मसाला सीन हिंदी में समझाओ, पूरी पिक्चर में यही सीन अच्छा है। कोई बात नहीं एवरीबॉडी। मनोहर भाई जी, मैंने आपकी सारी चिंता दूर कर दी, देखिए मैं किसे लाया हूँ। हीरो ऑफ द हीरोज। मोटा भाई जी, आप तो कहा करते थे कि मैं कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपको अपनी राय बदलनी पड़ेगी। देखिए देखिए, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस माया देवी, हीरोइन ऑफ दिस कंसर्न। आपने इनकी कई पिक्चरें देखी होंगी, वो जो चर्च गेट में बैनर देखा था वो इन्हीं का था। और ये हैं मम्मी डार्लिंग, ओ आई मीन मिस माया देवी जी की मम्मी। और ये हैं मनोहर भाई, प्रोड्यूसर ऑफ दिस कंसर्न। और ये मशहूर और मारूफ डायरेक्टर मन्नू भाई पटेल, इसे हम प्यार से मोटा भाई कहते हैं। और ये हैं अजय कुमार, ग्रेट डांसर, इन्होंने म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में बहुत से गोल्ड मेडल जीते हैं। व्हाट ए हैंडसम डार्लिंग। बैठिए, आप कुछ ठंडा पियेंगे, गर्म पियेंगे, कोका कोला, लस्सी, चाय, कॉफी? धन्यवाद, मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरे इसे अपने घर समझिए ना, ये सब दोस्त यार है। आप सिगरेट तो पियेंगे ना? लीजिए। मैं नहीं पीता। आप सिगरेट? मैं तो पीता हूँ। मे आई ऑफर यू ए सिगरेट? व्हाट ए स्पिरिट, the spirit of a heroine, really. And what a puff! the spirit of a heroine. अच्छा मगनलाल जी, अब ये तो बताइए आप मुझे चर्च गेट से यहाँ तक क्यों घसीट लाए? मुझे तो रेडियो स्टेशन जाना है। बात यह है डार्लिंग कि मनोहर भाई जी अपनी अगली पिक्चर में एक नया हीरो लेना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और आप ही वो हीरो बनेंगे। मैं हीरो? ये आप क्या कह रहे हैं, मुझसे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होगी? खूब होगी डार्लिंग, गाना सुनाकर आप लाखों हजारों को फ्लैट कर देते हैं और आप कहते हैं हम एक्टिंग नहीं कर सकते। यू विल बी द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑन अर्थ, ग्रेटर देन चार्ली चैपलिन एंड गैरी कूपर। मैं सच कहता हूँ, मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। एक्टिंग क्या मुश्किल है जी, कोशिश करेंगे तो सीख लेंगे, और फिर मोटा भाई तो है ही सिखाने के लिए। और क्या, अरे इनके हाथों में पढ़कर ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। आप काम की फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों मोटा भाई, बराबर से? अच्छा, अब लेन देन की बात कर ले। पहली पिक्चर के लिए हम आपको 10,000 रुपए देंगे, और भाई पहला चांस हम दे रहे हैं,
इसलिए तीन पिक्चरों का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होगा। व्हाट ए डार्लिंग ऑफर। जी नहीं सर, मैं नहीं करूंगा। अब ना मत कीजिए। चलिए 15। यानी 15,000 रुपए बाबा करोड़पति जो ठहरे। मुझे ना रुपए चाहिए और ना काम। अब देखिए, नहीं नहीं करके कीमत मत बढ़ाइए। और वैसे ही बड़ी हुई कीमतों से दुनिया तबाह है, और हम आपकी पब्लिसिटी पर इतना रुपया खर्चा करेंगे कि बुस्ट करके आसमान तक पहुंचा देंगे। आपके राइटर और लाइफ कहते तो मैं ही लिखूंगा। ठीक है मनोहर भाई, छोड़िए किचकिच, 20,000 कर दीजिए। अच्छा जी, 20,000 पक्के। आप लोग क्या पागल हो रहे हैं? अरे फेस ही ऐसा पाया है जालिम, कहां तो लोग छोटे से चांस के लिए यहां तड़पते हैं, और आपको इतना बड़ा मौका मिला है और आप अपने हाथ से गवा रहे हैं। मुझे माफ कीजिए, मैं फिल्मों में काम करना नहीं चाहता। अब इजाजत दीजिए, नमस्ते। अरे अजय कुमार, ओह माय वंडरफुल डार्लिंग। गया मगर तुम्हारे सभी काम ऐसे होते हैं। इसीलिए तो मैं कहता था, पहले से बातचीत करके नहीं लाए थे? मैंने कब सोचा था कि वंडर से थंडर हो जाएगा। सोचने के लिए भी दिमाग चाहिए। मोटा भाई, इतना खूबसूरत चेहरा, एक गाता भी है, मगर फिल्मों में काम क्यों नहीं करना चाहता? शादी शुदा होगा, अपनी बीवी से डरता होगा। अरे मोटा भाई, तुम सभी को अपने जैसा समझते हो। समझने की बात नहीं है मनोहर भाई, सच्चाई है। दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने बीवी से नहीं डरता? मगर जी, मुझे यही हीरो चाहिए। जी तुम एक काम करो। जी पहले उसकी बीवी को राजी करो। जी कान पकड़ोगे तो सर अपने आप झुक जाएगा। मैं समझ गया, यानी बीवी जी को मस्का, जो तुम्हारा काम है। मैंने कहा आप उन्हें अपने तरीके से समझाइए। मैं सच कहता हूँ भाभी जी, अगर आपके स्वामी जी हीरो बन गए तो आप हिंदुस्तान की मलका के बराबर हो जाएंगी। देखिए मैं इस बारे में कुछ लीजिए, वो खुद ही आ गए। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। व्हाट ए बेबी डार्लिंग। बड़ी देर से तुम्हारी राह देख रहे थे। अच्छा हाँ, आना ही पड़ा क्योंकि उस दिन तो आपने इनकार कर दिया था। तहसील रखिए, मैं भी आता। मगर मैंने रेखा, जरा सुनना, ये महाशय यहाँ क्यों आए? ये एक बार फिर रिक्वेस्ट करने आए हैं तुमसे। कह दो कोई लाभ ना होगा, मैं पहले ही कह चुका मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। पर वो कहते हैं तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, एक्टर बनने का हर गुण तुम में है। कहते हैं एक बार करके तो देखो, ना हो सके तो छोड़ देना, कोई जबरदस्ती थोड़ी ही करेगा। पर मुझे फिल्मों में काम करना ही पसंद नहीं है। क्यों, कितने लोग तो करते हैं। करते होंगे पर मुझे नहीं करना। इसमें हर्जी क्या है? तुम नहीं जानती वहाँ कैसे कैसे लोग होते हैं। और फिर तुम्हें लोगों से क्या लेना देना, तुम अपना काम करोगे, अपने घर आओगे। मेरा तो ख्याल है हमें ऐसा मौका मिले तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर ये भी तो एक कला है, तुम्हारा नाम भी होगा और पैसे भी इतने मिलेंगे कि हम आराम से रह सके, अपना घर बना सके और बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सके। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जरूरतें भी बढ़ेंगी। क्यों? मगर मुझे तो डर लगता है। डर किस बात का? नहीं, बात यह है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यही ठीक समझती हो तो कर लूंगा। कर तैयार। मास्टर जी शुरू कीजिए। आइए मैडम। याद है ना? हाँ हाँ सब याद। हाँ, जल्दी जल्दी चलिए चलिए। बाजा आजा देख भाल के, सबके तेरी चाल के, मेरे गले में झूल जा गोरी बाहें डाल के, साजे दिल को छेड़ हौले हौले, झुनझुना झुनझुना झुनझुना, झुनझुना झुनझुना झुनझुना, झुनझुना झुनझुना झुनझुना, झुनझुना झुनझुना झुनझुना। अरे क्या कुछ नहीं,
यू बराबर पकड़ो, प्यार से पकड़ो, घबराते क्यों? मोटा भाई गाना तो आज खत्म हो जाएगा ना? जरूर जरूर गाना खत्म हो जाएगा, रात पूरी खत्म हो जाएगी, गाना भी खत्म हो जाएगा। अरे कोई चाय लाओ, डॉक्टर को बुलाता हूँ, डॉक्टर को। लड़का बिल्कुल नया है, तो जरा अंडरस्टैंडिंग कर लो ना। तुम समझे नहीं, जरा मेलजोल बना लो, फ्री हो जाएगा तो तुम्हारा काम भी अच्छा होगा, समझे ना? अंडरस्टैंडिंग कर लो। क्यों रेखा बहन, लगता है अजय बाबू अभी तक घर नहीं आए। नहीं, कई दिनों से देखती हूँ, रोजे बहुत देर से आते हैं। हाँ, तुमको तो बहुत तकलीफ होती होगी। तकलीफ किस बात की? तुम पढ़ी लिखी हो बहन जी, कुछ ना कहो तो बात दूसरी है, मगर हमसे तो भाई बर्दाश्त ना हो। कभी हमारी इतनी देर से आए तो सही, महाभारत मचा दूं घर में। हंसने की बात नहीं बहन जी, सच्ची। अच्छा तुमने देखा है उस माया देवी को? कौन सी? अरे वो ही जो बड़ी हीरोइन है फिल्मों की, नहीं देखा? नहीं तो? आजकल तो अजय बाबू उसी के साथ काम कर रहे हैं, कितनी बातें सुनी है उसके बारे में। कैसी बातें? यही कि बड़ी दिलफेक हीरोइन है, जिस हीरो के साथ काम करती है उसी पर लट्ठ हो जाती है। पूछ के देखना किसी से। अच्छा गुड मॉर्निंग ही सही। अच्छा बाय बाय। बाय बाय। देखो रेखा, मुझे आने में देर हो जाया करे तो तुम खाना खा लिया करो, क्यों बेकार को तकलीफ उठाती हो? तकलीफ तो अकेले बैठकर खाने में होती है। अच्छा वो तुम्हारी फिल्म की हीरोइन माया देवी कैसी है? क्या मतलब? यानी बड़ी खूबसूरत है ना? हाँ लोग तो यही कहते हैं, टॉप की हीरोइन है, बड़ी खूबसूरत है। तुम क्या कहते हो? खूबसूरत है ये बात तो माननी ही पड़ेगी। हंस क्यों रही हो? इसलिए कि तुम्हें अपने मन की बात कहने में बड़ी देर लगी। तुम भी ना जाने क्या क्या बस। सुनो, आइंदा अगर रात को देर हो जाया करे तो टैक्सी लेकर घर आया जाया करो। ओ, तो तुमने देख लिया मैं माया की गाड़ी में आया हूँ? सिर्फ मैंने ही नहीं, कई पड़ोसियों ने भी देखा होगा। तो रोग पैदा होने से पहले ही उससे बचने का उपाय कर लेना अच्छा होता है ना? समझा। आपने साइटसीन देखा? अरे क्या काम किया है, गेरी कुफर को भी मात कर दिया है, मैंने तो देखा और रो दिया। सीन ही ऐसा था जनाब, आप तो देखकर रो दिए और मैं लिखते लिखते रो दिया था। आप लिखते रहिए और रोते रहिए, कौन पूछता है आपको? आजकल तो हीरो को देखते हैं, एक हीरो बाकी सब जीरो। मनोहर भाई मेरे पास एक स्टोरी है, उसमें आपका हीरो बहुत सूट करता है, क्या मिल सकेगा? अरे गुप्ता जी आप तो अपने आदमी हैं, ले लीजिए। मगर डिमांड कुछ ज्यादा है। आप अंदाजा बता सकते हैं? अरे अंदाजा डालें, करेक्ट फिगर पूछो ना। पूरा लाख। पूरा लाख? कुछ ज्यादा। आप अपने डार्लिंग हैं, 200-400 रुपया कम कर देंगे। अच्छा तो फिर बात पक्की करा दीजिए। अरे पक्की, मेरी बात पक्की, साइंड सील्ड एंड डिलीवर्ड। देखिए वो आप हीरोइन किसके ले रहे हैं? एक नई लड़की है शोभा, मद्रास की, डांस बहुत अच्छा करती है। अरे वही तो नहीं जिसकी उस दिन फोटो दिखा रहे थे? वही वही वही, बहुत अच्छी है, अच्छी अच्छी है। अच्छा गुप्ता जी आइए कुछ चाय वाला, और हम भी ठंडा पीते हैं। मगन मम्मी डार्लिंग इधर खड़े हो, इधर देखो, इन लोगों से साफ साफ कह दो अगर मेरी बेटी माया को नहीं लेंगे तो फिर इन्हें अजय भी नहीं मिलेगा। मगर मैं कैसे कहूँ? जैसे भी हो मगन, तुझे ये काम करना ही होगा। मगर मैं कैसे करूँगा? क्यों नहीं कर सकता? ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जा सकती, वो जिसे चाहेंगे लेंगे। अरे वाह। मेरा मतलब ये है मम्मी, कैसे कहूँ, आजकल माया का कोई खास क्रेज नहीं रहा। क्या? मेरी बात सुनिए, आजकल लोग नए चेहरे को ज्यादा पसंद करते हैं।
क्या कहीं का वो दिन भूल गए कि जब मेरी बेटी के दम पर तुम लोग खा खा दिम्बा हो गए और नया हीरो क्या लेकर आए कि दिमाग था तुम्हें आसमान से कूद रहा है तुम लोगों का है बेईमान कहीं का तुम तो खाम खा नाराज हो रही हो मम्मी डॉक्टर यही बात ही कर रहा मेरी बात तो सुनो मैं तो ये कह रहा था कि माया को कोई यूं नहीं लेगा फिर कैसे लेगा कोई तिगड़म भिड़ाना पड़ेगा अरे तो भिड़ाना तिगड़म मेरा मतलब है ओ तेरा कमीशन ना अब वो तो मैं ले ही लूंगा तो फिर क्या और काफी ज्यादा खर्च करना होगा तब जाकर बात बनेगी काफी खर्चा करना पड़ेगा हाँ कैसा खर्चा मम्मी एक हवा फैलानी होगी कि माया और अजा में बड़ा जबरदस्त रोमांस हो रहा है क्या बकता वो झूठा होगा अखबारों में चर्चे होंगे रसीली कहानियां लिखी जाएंगी नशीली तस्वीरें छपेंगी और लोगों में एक नई दिलचस्पी पैदा होगी फैन मेल आएगा और लोग अजय और माया को एक साथ देखना चाहेंगे यही तो आजमाया हुआ नुस्खा है मम्मी और फिर देखना माया की मार्केट कहां से कहां तक चली जाएगी अरे मैं खर्चा करूंगी माया के लिए करोगी ना और फिर देखना मैं आज ही राइटअप लिखना शुरू करता हूँ और हिंदुस्तान के चारों तरफ छुपाना शुरू करता हूँ उधर वो दर दर छपते जाएंगे इधर फटाफट काम होता जाएगा अरे अरे मेरी मम्मी डाल देखा तुमने देखा क्या लिखा है क्या लिखा है अजय माया से शादी करने वाला है हेलो नमस्ते 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 और सुनाइए कोई खास खबर नहीं नहीं कोई खास खबर नहीं बस हम लोग यहाँ ही घूमने आ गए थे बिल्कुल नमस्ते नमस्ते देखा तुमने कैसा फोटो छपा है लिखा है आजकल माया अपनी गाड़ी से ज्यादा अजय की गाड़ी में देखी जाती है और जल्दी ही दोनों की शादी भी होने वाली है तुमने मेरी लड़की की जिंदगी खराब की है अरे ये सब बेकार के अखबार हैं बेसरपैर की छाप दिया करते हैं इसका कुछ मतलब है मैं अजय को अच्छी तरह जानता हूँ वो लड़का ऐसा कभी नहीं कर सकता मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल यकीन नहीं है मैं खुद जाके अपनी आंखों से देखूंगी रेखा को क्या सुख है तुम आज ही टिकट बुक करो ना चलो देर है दुरुस्त है तुमने वहां जाने की तो सोची मगर तुम्हें मैं वहां एक शर्त पर ले जाऊंगा क्या तुम वहां जाकर इस मामले में रेखा से कतई कुछ नहीं बोलोगी बोलूंगी और हंसा भर बिल्कुल नहीं बोलोगी वरना मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा मैं जानता हूं कि तुम वहां जाकर तिल का ताल खड़ा कर दोगी अच्छा बाबा कुछ नहीं बोलूंगी बस देख के चली आऊंगी हाँ ठीक है चलो चलो याद रखना कुछ नहीं बोलूंगी चुप क्यों हो कुछ बोलो बड़ी तारीफ क्या करते थे अजय की तुम लोग कुछ भी कहो मैं नहीं मानती मैं अजय को बचपन से जानती हूँ हमेशा का सीधा शरीफ लड़का है वो ऐसा कर नहीं सकता तुम ना मानो मौसी तुम्हारी मर्जी लेकिन अखबार में तो साफ साफ लिखा है अजय और माया शादी करने वाले हैं अरे अखबार में तो आज लिखा है मैं तो पहले ही से जानती थी यही कुछ होगा एक रात मैंने अपनी आंखों से देखा वो दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में यहाँ तक आए और माया तो जैसे अजय पर गिर गिर पड़ रही थी मुझे विश्वास नहीं अपनी आंखों से देखूं तो मानूं हाँ हाँ अब यही बाकी रह गया अपनी रंगरेलियां तुम्हें आके दिखाएंगे देखो मेन साहब आज जरा साहब को समझाओ ये सब क्या हो रहा है क्या अब मैं आपसे कैसे कहूँ ये लीजिए आप भी पढ़ लीजिए अखबार तक में छप गया और आपको मालूम ही नहीं है सब लोग जानते हैं मैं आपके नौकर हूँ बाजार में निकलना भारी हो गया है जिस तरफ से निकलता हूँ उसी तरफ से लोग अजय हैं जी नहीं वो घर पे नहीं है कहिए जरा उन्हीं से काम था आप मुझे बता दीजिए मैं उनसे कह दूंगी नहीं कहना क्या है मुझे तो मालूम है वो कहाँ मिलते हैं मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगी और वैसे तभी काफी देर है मुझे तो शाम को उनकी जरूरत है शाम तक तो वो घर ही आ जाएंगे शायद उन्हें मेरे प्रोग्राम का पता नहीं इसीलिए ऐसे कह गए हैं पर वो जल्दी नहीं आ सकेंगे क्या उनका घर आना ना आना आपकी मर्जी पे है कुछ भी समझ लीजिए पर आज वो जल्दी नहीं आ सकेंगे क्यों मौसी चुप क्यों हो कुछ बोलो नहीं नहीं साहब 25 मई तक मुझे आपको पोजीशन देना ही होगा हर काम तैयार होना चाहिए फर्नीचर डेकोरेशन रंगाई सब कुछ हो जाएगा साहब सब हो जाएगा
आप अभी से हमें बता दें, जो कुछ आपको चाहिए हम सब कर देंगे। कहिए तो कल डेकोरेटर को लेकर आपके घर आ जाए। नहीं, मेरे घर पे नहीं, आप जब कहेंगे मैं खुद यहाँ आ जाऊंगा। आप एक बार अपने वाइफ को कंसल्ट तो कर लें। वाह साहब, वाइफ को अगर अभी से बता दिया तो मजा ही क्या। मैं तो चाहता हूँ उसके जन्मदिन पर लाके उसे यहाँ खड़ा कर दूं, ताकि अपनी पसंद का सब काम देखे, खुशी से झूम उठे। मुझे उसकी पसंद का रत्ती रत्ती पता है, आप नोट कीजिए। हाँ हाँ। दीवारों का रंग लाइट सिल्वर ग्रे जी, हैवी मॉस ग्रीन वेलवेट के पर्दे, फर्श पर काला मोज़ेक, एकदम काला। हमारा बेडरूम ये होगा ना, तो बच्चों का बेडरूम वो होगा। आपको ये दरवाजा थोड़ा सा इधर करना होगा, ताकि हमारे बेड से उनका बेड बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए। और ये हमारा ड्राइंग रूम होगा। आप फिक्र ना कीजिए, मैं खुद यहाँ खड़ा रहकर सब काम खुद कराऊंगा। अरे अजय डार्लिंग, कुछ खिदमत करने का मौका मुझे भी तो दीजिए डार्लिंग। कहाँ कहाँ से ढूंढता हुआ आ रहा हूँ, और फिर कई रोज से आपसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। मैंने आपसे कुछ जरूरी बातें भी करनी है, अभी मद्रास वाले प्रोड्यूसर से नक्की करना है, आजकल यही कहा था, और फिर उसकी ट्रायल भी तो देखनी है। ये क्या है? पढ़ लिया आपने? पब्लिसिटी। सर से आप मेरी पब्लिसिटी कराएंगे? ये तो सरासर बदनामी है। अजय डार्लिंग, ऐसे पब्लिसिटी स्टंट तो होते ही रहते हैं, ये फिल्म लाइन है, लोगों की नजरों में आने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। तो ये सब किया धरा आपका है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ प्रेस वालों को इतना ही कहा था कि अपने अजय का जरा ख्याल रखना। सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं, आप जानते हैं अगर ये अखबार मेरी बीवी के हाथ आ जाए तो वो क्या सोचेगी? आप मेरा घर तबाह करना चाहते हैं। तबाह? नहीं नहीं, मैं तबाह नहीं करना चाहता, मेरी तबाह 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 तबाह। अजय, आप ऐसा कीजिए, आज माया के घर में रात को पार्टी है, वहां सब प्रेस वाले जा रहे हैं, मैं आपके सामने सबको कह दूंगा, और आप भी कह देना कि माया और आप दोनों एक साथ इकट्ठे फिल्मों में काम कर रहे हैं, that you both are good friend, इसके अलावा और कोई बात नहीं। ठीक है, कह दूंगा। जरा नरमी से, ये प्रेस वालों को बिगाड़ना अच्छा नहीं होता। वो मैं भी समझता हूँ। ओह, वो मद्रास का प्रोड्यूसर नीचे अपने सेंटेनरी ब्यूक पे खड़ा है, आई मीन बैठा है। आइए 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 आइए, लाएंगे मुन्नी को के। ए, तुम बेबी को उधर जाके खिलाओ ना। क्यों, इधर में क्या हरज है? हमारे साथ में रहने को काहे को मांगता है? अच्छा लगता है ना? हमको नहीं अच्छा लगता है। तो तुम घबराता क्यों है? धीरे धीरे तुम्हारे को भी अच्छा लगने लग जाएगा, और फिर मैं तो इसी कोशिश में लगा हूँ, एक दिन तेरे को अच्छा लगवा कर ही छोड़ूंगा। साहब को बोल के तेरे को नौकरी से बाहर निकलवा देगा। पर मैं निकलूंगा तब ना, भूख हड़ताल कर दूंगा तेरे लिए। और निकलूंगा भी तो तेरे को साथ लेके। दरवाजा खोलो। तू खोलना जाके। हम बाबा को खिलाते हैं ना? तो हम भी बेबी को खिलाता है ना? ठीक है, हम जाता है। तो हम भी जाता है। हम नहीं जाता है। तो हम भी नहीं जाता है। गोपाल, देखते क्यों नहीं कौन आया है? रेखा बेटी। माँ खुश रहो, खुश रहो। रेखा, बहुत 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 बेटी, मजे में। तुमने तो माँ को बिल्कुल भुला दिया। भूल तो तुम गई थी माँ, ब्याह के बाद बेटी पराई हो जाती है, तुमने साबित कर दिया। तू माँ के मन की क्या जाने, रहा नहीं गया इसीलिए तो दौड़ के आई हूँ। तू सुखी तो है ना बेटी? हाँ माँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ओहो हो, अब ये रोना धोना छोड़ो, कोई दूसरी बातें करो। और हाँ देखो, तुमने मुझसे वो वादा किया था, याद है ना? हाँ हाँ याद है। ठीक है, तुम दोनों माँ बेटी बातें करो, तब तक मैं अपने नाती नातिन को खिला लू। कहा रे ओ अनिल, अरे अंजू। तू क्या कर रही थी बेटी? खाना बना रही। अरे तो क्या खाना तू अपने हाथ से बनाती है? तो क्या हुआ, खाते भी तो खुद ही है। आओ माँ, तुम्हें अपने यहाँ घर दिखाऊ। ओ बेटी अमजू। और बेटा रे, ए बेटा, जानती है मैं कौन हूँ? मैं तेरी मम्मी का डैडी हूँ, तेरा नाना। नहीं, तुम तो बुड्ढे हो। अरे बेटा, बुड्ढे ही तो नाना हुआ करते हैं। अच्छा एक बात बता, ए बेटी, तू तेरी मम्मी को ज्यादा प्यार करती है कि पापा को? दोनों। नहीं भाई, ये तो बहुत खराब बात है, एक को बताओ, ज्यादा किसे प्यार करती है? पापा से। शाबाश,
ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, बहुत छाली मिठाई लाया हूँ, ये सब तेरे लिए है, एक बार मुझे नाना बोल। तुम तो बुड्ढे हो। अरे भाई बुड्ढे हैं तो तेरा क्या जाता है, एक बार नाना बोल दे। बोल 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 नाना। ये एक डब्बा ले है और एक बार और बोल दे। शाबाश, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। नाना नहीं तुम बुड्ढे हो। जी ये आप अभी तक जी जी क्या किया करते हैं? कहिए। बात यह है कि काफी देर हो गई मुझे इजाजत दीजिए। अभी से? अभी तो सारे मेहमान भी नहीं आए, ना ही कोई पैसा लाया है। तो मैं कब तक बैठा रहूंगा? आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? तो जाइए। आपका अपमान? अपमान किस तरह होगा? और नहीं तो क्या, सबसे कह रखा है कि आप यहाँ होंगे। दरअसल ये पार्टी है आपके लिए भी, आप ही चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं तो झूठी बन जाऊंगी ना, लोग समझेंगे आपका और मेरा झगड़ा हो गया है। सॉरी, अब मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ इस डार्लिंग पार्टी में झगड़ा कैसा, क्यों क्या बात है? ये कहते हैं कि जा रहे हैं। ओह नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैं कह के आया था कि शाम को घर जल्दी आ जाऊंगा। तो एक दिन देर है सही मेरी खातिर। ओह यस, घर में तो आपको कोई काम नहीं है और आपने ही तो कहा था कि प्रेस वालों को मिलना नहायत जरूरी है और मैं भी यही कहता हूँ, इट इज वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा तो मैं थोड़ी देर के लिए घर। ओह नो 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 नो, वो आते ही होंगे एनी मोमेंट। ओ एक तो आ गया, व्हाट ए डार्लिंग। ओहो 12 बज गए। रेखा और कब तक इंतजार करेगी अजय का? चल के कुछ खा पी ले और सो जा, हम लोग भी चले। वो आ जाए तो साथ ही खा लूंगी। आ चुका, कहां तो तू कहती थी रोज शाम को 6 बजे आ जाता है, अब देख घड़ी में क्या बज रहा है। बस अब आते ही होंगे माँ। तू चाहे कुछ भी कहे लेकिन माँ का दिल सब कुछ जानता है। तुझे यहाँ कितना सुख मिल रहा है यह तो मैंने एक ही दिन में देख लिया है। कितने लाड़ों से पाला था तुझे। अरे अब तुम कह रहे आओ ना जी, 12 बज रहे हैं, 12 बज गए, ना टैक्सी मिले ना मिले, जल्दी करो ना, चलना है। ओ, चुप रहो ना, ऐसा बोलो बच्चे सो रहे हैं, खच 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 लगा रहे। तो चल ना। चलो बेटी देखो हम लोग चलते हैं, अजय आवे तो कह देना हम आए। ये मेरी दरखास्त है आप लोगों से, इस तरह की कोई खबरें ना छापें, मेरे और इनके रिलेशन लेकर पब्लिक में कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब खुशहाली भी तो हो सकती है, एक सेलिब्रेशन हो जाएगा और हमें एक पार्टी को उम्मीद हो जाएगी। ऐसी उम्मीद बेकार है, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। अच्छा जी हाँ, बड़ा सुखी परिवार है मेरा। तब तो आपकी तरफ से प्रतिवाद छापना चाहिए। जरूर छापने तो बड़ी मेहरबानी। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से इस हफ्ते जो बात छप गई अगले हफ्ते तक लोग उसे पीछे छोड़ देंगे और नई बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, ये भी ठीक है, बात को कुरेदने से लोग तरह तरह के मतलब भी निकाल सकते हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, चुप रहना सबसे बेहतर है, एक चुप 100 सुख। आइंदा ऐसा कुछ नहीं छपेगा, बस ठीक है, बेस्ट है डार्लिंग। अच्छा नमस्कार। अरे बेटा ऐसे कैसे जाओगे बिना कुछ खाए पिए? जी नहीं, रेखा मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं चलता हूँ। अच्छा जी गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है बीवी से डरता है। क्या बताऊं रेखा, आज बड़ी मुश्किल में पड़ गया था, ऐसा अटक गया कि किसी तरह आते ही नहीं बना। पहले एक मद्रास के प्रोड्यूसर के साथ पिक्चर की ट्रायल देखनी पड़ी और फिर आज प्रेस वालों से मिलना भी बहुत जरूरी था, इसीलिए। बहानों की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुम कहाँ थे और किसके साथ थे। जानती हो तुम माया के साथ थे ना? हाँ उसी के यहाँ तो सब प्रेस वाले, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम छुपाते रहो मगर माया देवी तो यहाँ खुद ही बड़े शान के साथ कह रही है कि तुम्हारा घर आना ना आना उनकी इच्छा पर है। पर सच मानो रेखा। क्या सच मानूं और क्या झूठ रेखा, अगर तुम्हारी शहना होती तो क्या वो मेरे घर में मेरा अपमान करने की हिम्मत करती? तुम्हारा अपमान, ये तुम क्या कह रही हो, मैं भी जाकर उससे पूछता हूँ। रहने दो वरना इसी बहाने बाकी रात भी वहीं गुजार के आओगे।
दिल्ली से माँ और डैडी आए हुए हैं, अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी पता चल गया है कि आजकल तुम्हारा रवैया क्या है। देखो, इसीलिए मैं फिल्मों में काम नहीं करना चाहता था, पर तुमने कहा। मैंने कहा था इसकी सजा दे रहे हो मुझे? कैसी बातें कर रही हो रेखा, तुम मेरी मजबूरी को तो समझो। शराफत के नाते कभी कभी किसी का कहना टाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबका कहना मान सकते हो, टाल सकते तो सिर्फ मेरी बात, पत्नी की क्या परवाह। क्यों, आज जो चर्चा हो रहा है उसकी वजह से समाज में, पड़ोसी में मेरा क्या हुआ? मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरा मान सम्मान किस तरह ढूंढने लगे। ऐसा तुम्हें सोच भी नहीं सकता रेखा, तुम्हारे दिल में ये बात आए तो मुझे डूब मरना चाहिए। आज मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आओ खाना खा। याद है परसों अंजू का जन्मदिन है, डैडी कह रहे थे कि इस बार वो लोग यहीं पर हैं, वैसे तो खूब धूमधाम से मनाई जाए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, सब पड़ोसियों और उनके बच्चों को भी बुला लेंगे। ठीक है, बुला लेना, लेकिन इतने छोटे से घर में ये सब कैसे हो सकेगा? वो सब मैंने सोच लिया है, मौसी से कहकर छत ले लेंगे, वहीं अच्छी तरीके से सजा कर सब मेहमानों को बिठाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। परसों तो तुम जल्दी आ जाओगे ना? हाँ परसों मुझे कोई काम नहीं है। नहीं हाँ, एक बार दोपहर में पालघर जाना पड़ेगा। पालघर? हाँ वहाँ किसी स्कूल का सालाना जलसा है, मैं जाने का वादा कर चुका हूँ। लेकिन क्या है, मैं कार से जाऊंगा और शाम होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। अरे भैया सुनो सुनो सुनो। कहाँ है? क्यों भैया, यहाँ कोई बस्ती है? ना यहाँ कोई बस्ती नहीं है। अच्छा कोई पेट्रोल पंप है? हाँ है, लेकिन अभी चालू नहीं है, वो भी 2 मील दूर है। कहाँ जाना है? बम्बई। तो ट्रेन से क्यों नहीं चले जाते, पास में स्टेशन है। स्टेशन है? हाँ हाँ है, है। वो देखो, वो दिखाई पड़ा उधर, वो दिखाई पड़ा, चले हट, चल 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 चल, चल। सुनिए साहब, बंबई जाने के लिए अगली गाड़ी कब मिलेगी? अगली गाड़ी? जी अगर लेट ना हुई तो 4 घंटे में मिल जाएगी। 4 घंटे में? 12 बजे तक बंबई पहुंच जाएंगे। 12? अभी होगा बेटा, बस अंजू के पापा आ जाए। कितने देर तक राह देखोगी बहू, कब तक सबको बैठा रखोगी? जो कुछ करना है कर डालो, नहीं तो सब उठ उठ के चली जाएंगी, सबके घर वाले आते ही होंगे। हाँ मौसी, बस अभी कर लेते हैं। अंजू, अंजू, यहाँ क्यों खड़ी हो अंजू? मैं पापा को देख रही हूँ। आ मेरे साथ चल, केक काट। पहले पापा को तोड़ने दो। वो आ जाएंगे बाद में, तू अंदर चल। आ बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बहुत अच्छा काम करता है। कौन? हीरो। कौन है? अरे हीरो है, हीरो अजय कुमार। अच्छा अजय कुमार। अंकल जी हमको गाना सुनाइए ना। पापा हमको गाना सुनाइए ना। अंकल गाना सुनाइए ना।
प्यार की नन्ही मैं ना चहके जीवन मेरा भी लेके महके गुड़िया से मेरी लाडली चहके जीवन मेरा भी लेके महके गुड़िया से मेरी लाडली से डोले सदा तू बनके हमारे नैनों की ज्योति चांद किरण से डोले सदा तू बनके हमारे नैनों की ज्योति जब तू हंसे तो फूटे कली सी बोले अगर तो बरस जाए मोती फूल खिले तो इतना कह के जीवन मेरा भी लेके महके गुड़िया सी मेरी लाडली गुड़िया सी मेरी लाडली अपने चूम लू मुखड़ा नन्नी परिया तुझको लगा लो सीने से अपने लाखों बरस तक सूरत में तेरी जीते रहे तेरे बाबा के सपने माँ पुकारे ये कह कह के जीवन मेरा भी लेके महके गुड़िया से मेरी लाडली गुड़िया से मेरी लाडली तुझसे बेबस खड़ा हूँ ऐ दिल के टुकड़े सोचेगी क्या तू दूर मैं तुझसे बेबस खड़ा हूँ ऐ दिल के टुकड़े सोचेगी क्या तू तेरे जन्मदिन दीपक से होंगे नन्नी सी पलकों पे नन्ने से आंसू ढूंढती होगी तू रह रह के जीवन मेरा भी लेके महके गुड़िया से मेरी लाडली गुड़िया से मेरी लाडली प्यार की नन्नी चहके जीवन मेरा भी लेके महके गुड़िया से मेरी लाडली
बेटी ये और खा लो। नहीं मम्मी ये रख दो, पापा आएंगे खाएंगे। ठीक ठीक ठीक, अपनी बच्ची की सालगिरह और अभी तक नहीं आए। अभी कोई जाके देखे, वही बैठे होंगे माया के घर। मुझे क्या मालूम था बात यहाँ तक पहुँच गई। मैं तो बहन जी पहले विश्वास ही नहीं कर रही थी, मगर उस दिन माया के बोलने से जैसे हैरान रह गई। लगता था जैसे रेखा अजय की कोई है ही नहीं, जो कुछ है सब वही है। मेरी बेटी ने तो जान बूझ के अपना सत्यानाश कर लिया, अब अगर वो इसे जूता मार के रखेगा तो भी रहना पड़ेगा, और चारा ही क्या है। मेरे भाग में ये भी दिन देखना था, मेरी ये भी दिन बेटी थी, मैंने इसे वो प्यार से सर्वनाश। गोपाल, ओ गोपाल। हाँ बेटा। जी बड़ी देर कर दी, क्या बताऊं आज मैं किस मुसीबत में पड़ गया था। मत बताओ बेटा, रेखा को जाकर बताओ। कहाँ गई ये लोग? अपनी माँ के साथ पेडर रोड। क्यों? ये सब कुछ मत पूछो बेटा, जाकर उन्हें समझा बुझा कर वापस लाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी वक्त। जाओ बेटा। रेखा, रेखा कहाँ है? इतनी रात गए रेखा की याद आई? नहीं मां, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए। हाँ, हाँ, ऐसे बहाने तो जितनी मर्जी हो बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोई बेवकूफ कब तक बनेगा, कभी सोचा है? जी मैं तो ये, दरअसल बात क्या है जानते हो, जब दरिद्र आदमी को चार पैसे मिल जाते हैं तो उसका दिमाग खराब होने में देर नहीं लगती, रंग रूप ही बदल जाता है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं कह रही हूँ कि अब तुम्हारी असलियत जाहिर हो चुकी है। ये फिल्मी हीरोनों को लेके जो तुम कीर्ति करते फिरते हो सारी दुनिया जानती है, क्या हमें नहीं मालूम? ये सब झूठ है, बकवास है। क्या सच है और क्या झूठ है ये मैं भी समझती हूँ। बहुत खेलते रहे तुम मेरी लड़की की जिंदगी के साथ, आज से ये भय खत्म हो चुका। आपसे ये बात करना बेकार है, आप जरा रेखा को बुला दीजिए। रेखा तुमसे मिलना नहीं चाहती। नहीं रेखा, रेखा अंजू, आजा अंजू, अंजू मेरे पास। रेखा ये सब क्या बचपना है, चलो अपने घर चलो। मेरा घर यही है। रेखा तुम बिना सोचे समझे मुझ पर नाराज हो रही हो, मैं क्या करूं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, स्टेशन के वहाँ ट्रेन भी जा चुकी थी। तुम्हारी ये कहानियाँ सुनने का धीरज अब मुझ में नहीं है। ये कहानी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अब जो कुछ भी कहना है अदालत में जाके कहना। पागल हो गई हो, सुनो। छोड़ दो मेरा हाथ, ये हक तुम खो चुके हो। खर्चा नहीं, कोई भत्ता नहीं, मैं लिख कर देता हूँ साहब, अगर इस मामले में अदालत आप पर कोई भत्ता लगाए तो मैं अपना नाम जीडी पटेल नहीं गला पटेल रख लूंगा। व्हाट यू से? मगर मैं भत्ते भत्ते की नहीं सोचता, मैं तो चाहता हूँ कि यह मामला ही रद्द हो जाए। आप कोई ऐसा पॉइंट उठाइए कि ये केस डिसमिस हो जाए। आप इतराज कीजिए। इतराज क्यों? सेपरेशन यानी कि अलग होती है तो होने दीजिए। होने दूं? हाँ, इसमें हर्जा ही क्या है साहब, अगर आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहना चाहती तो क्या जबरदस्ती करेंगे? डेमोक्रेसी का जमाना है, घर बसाने वाले को बसाने का हक है, उजाड़ने वाले को उजाड़ने का, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट डू यू से? अच्छा आप मेरे वकील हैं या मेरी बीवी के? साहब वकील किसी का जर खरीद गुलाम नहीं होता, आज मैं आपकी पैरवी कर रहा हूँ तो कल दूसरे की। आई वॉन्ट मनी, व्हाट डू यू से? इससे अच्छा होता कि आप मेरी पैरवी छोड़ देते, बड़ा एहसान होता आपका मुझ पर। व्हाट डू यू से? रेखा सुनो, रेखा सुनो तो, रेखा प्लीज अब भी समय है, एक बार सोचकर तो देखो तुम्हारी ये जिद तुम्हें कहाँ लिए जा रही है। मेरी बात मानो और केस वापस ले लो।
मगर क्यों, किस लिए? नेग्लिजेंस मेंटल टॉर्चर से साबित हो चुकी है, फैसला हमारे हक में हो। जानने में क्या हक आपका? देखा, प्लीज सोचो। कोई फायदा नहीं मिस्टर अजय, कोई फायदा नहीं। आप बार बार बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं उनका वकील हूँ अदालत के अंदर। यहाँ पति पत्नी के बीच आप अपनी टांग अड़ाइए। टांग अड़ाने की कोई बात नहीं है मिस्टर अजय, मेरी मुवक्किला मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं बोल सकती। जो सलाह मैं दूंगा वो सलाह दे देकर तो ये नौबत कर दी आपने। आप मुंह बंद रखिए। रेखा, क्या तुम सचमुच विश्वास करती हो कि मैंने तुम्हारी अपेक्षा की? ऐसा रूठना भी क्या रेखा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे बगैर, बच्चों के बगैर मेरी जिंदगी बेकार है। तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। विश्वास करो, नाम यश धन दौलत मुझे इन सबकी कोई चाहत नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए रेखा, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। केस वापस ले लो रेखा, घर चलो। प्लीज मेरी बात मानो। तुमने कौन सी मेरी बात मानी है? किस बात पर विश्वास करूं तुम्हारा? मैं तुम पर विश्वास करती थी, इसलिए तो तुम रोज रोज बहाने बनाकर मौज करते रहे। और मैं जहर का हर घूंट चुपचाप पीती रही। इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए? अब तो मैं तुम्हारे रास्ते से हटी जा रही हूँ। रहो अपनी माया को लेकर। श्रीमती रेखा देवी बनाम श्री अजय कुमार के मामले में हर पहलू से गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि श्रीमती रेखा की दरखास्त जायज है। इसलिए अदालत श्रीमती रेखा देवी को अपने खाविंद अजय कुमार से अलहदा रहने की इजाजत देती है। इस अलहदगी की मियाद 2 साल की होगी और उसके बाद दोनों में से किसी की तरफ से भी नई दरखास्त दिए जाने पर कानूनन तलाक मंजूर किया जाएगा। मिलॉर्ड, आपने एक जज की हैसियत से अपना फैसला तो सुना दिया, अब मैं एक इंसान की हैसियत से आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं अब क्या लेकर रहूंगा, कैसे रहूंगा। मुझे अपने बर्ताव पर बड़ा अफसोस है, लेकिन क्या मुझे एक मौका और नहीं मिल सकता कि मैं रेखा के दिल से सारी गलतफहमी दूर कर दूं, उसे विश्वास दिलाऊं? मैं आपसे सच कहता हूं मिलॉर्ड, बीवी बच्चों के बगैर उससे नहीं रहा जाएगा। जहां तक रेखा देवी का ताल्लुक है, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन चूंकि मुकदमे में बच्चों का कोई सवाल नहीं आया, इसलिए बच्चों के मुतालिक फरीकैन आपस में जो भी चाहे फैसला कर सकते हैं और उसकी अदालत को इतला दे सकते हैं। हाँ तो मिस्टर पटेल। जी डी ठीक है, जीडी सही। थैंक यू। अब हम लोगों को बच्चों के बारे में फैसला करना है। हाँ, जरूर करना चाहिए। तो बोलिए आपकी क्या राय। नहीं, पहले आप अपना इरादा बताइए। भाई मेरी राय तो ये है, क्योंकि माँ ही नेचुरल गार्जियन होती है, इसलिए दोनों बच्चे माँ को मिलने चाहिए। नो, मेरी राय में दोनों बच्चे मुझे मिलने चाहिए। आपको? मेरा मतलब है मेरे क्लाइंट मिस्टर अजय कुमार को वाड़ियों से। बट मिस्टर पटेल, बाय वर्च्यू ऑफ नेचुरल राइट्स। डैम योर नेचुरल राइट्स मिस्टर। बाप ही बच्चों के लिए सब कुछ होता है, बाप के नाम से ही बच्चों का नाम चलता है, बच्चों की हर तरह की जिम्मेदारी बाप पर होती है। जी नहीं, माँ पे होती है। नो, यू आर इनकरेक्ट। दोनों बच्चे बाप को मिलने चाहिए। नो। यस। आई से नो। यस। नो। नो। हम दोनों को तैश खाने की जरूरत नहीं। लेट अस बी इंपार्शियल। हां बड्डू से। हां बिल्कुल। बच्चे कितने हैं? 2, एक बाप को एक माँ को। लेट अस गेट आउट ऑफ द पिक्चर। हां ये बात हुई। ठीक है ना? बिल्कुल। तो बेटी बाप को, बेटा माँ को, बड्डू से। हाउ इज इट पॉसिबल? अरे अभी तो तुमने कहा यार। ये कब कहा कि लड़की बाप को मिल जाएगी? जो आप चाहेंगे वही होगा क्या? तो फिर टॉस कर लेते हैं। कर लो यार। लो रुपया निकालो। रुपया कहां है यार आजकल? एक अठन्नी है। अठन्नी भी चलेगी? देखिए चित हुई तो लड़की बाप के पास और पट हुई तो लड़का। मंजूर। लेकिन एक शर्त और है मिस्टर पटेल। और भी है? छूट। माँ अगर बाप के पास वाले बच्चे को देखना चाहेगी, मिलना चाहेगी या कुछ दिन के लिए उसे अपने पास भी रखना चाहेगी, तो आपके मुवक्किल को बिना किसी हीलो हुज्जत के बच्चा माँ के पास भेजना पड़ेगा। एग्रीड। तो माँ भी दूसरे बच्चे को उतने ही दिनों के लिए बाप के पास भेजेगी? व्हाट डू यू से? ऑफ कोर्स। कैरी ऑन। चित पट। इसका मतलब ये कि लड़की माँ के पास और लड़का बाप के पास। राजा बेटा दूध पिएगा। नहीं, राजा बेटा दूध पी ले। ओहो चुप जा। अरे राजा मुन्ना, तुमने तो अच्छी खासी। क्यों अजय, बच्चे से बड़ी परेशानी हो रही है ना? अच्छा तुम चिंता ना करो, मैं हूँ, माया है,
माया ज्यादा भूख गर्म कर रही है। और आजा आजा, ओ माँ के लिए दे रहा है, माँ बेटा माँ के लिए। अरे बच्चा है यार कौन? अरे मेरा गंदा काट खाया। माया, ऐ जल्दी दौड़ डॉक्टर के पास जा दवा खाने, वो चिकनी हो जाएगा इंजेक्शन से। हाय हाय हाय, अरे बच्ची मेरा गंदा काट खाया लड़का है यार कौन? जल्दी चल जल्दी चल। ये घूर घूर के क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ उस माँ को जो अपनी इकलौती लड़की की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ करके आराम से मैगजीन पढ़ती। क्या मैंने गृहस्थी उजाड़ी है? और नहीं तो क्या, मुझे जिस बात का आदेश था तुमने वही किया। तुम्हें क्या जरूरत थी आग भड़काने की? मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया था कि तुम बीच में मत बोलना, मगर तुम न मानी। जाओ जाओ, मैं तुम्हारी तरह पत्थर की बनी हुई नहीं हूँ कि आग के सामने लड़की की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखूं और कुछ ना बोलूं। कौन कहता है लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही थी? और बाकी ही क्या रह गया था, कौन सा सुख था उसे? मैंने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है। वाह वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। और देख लेना, मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर रेखा की दूसरी शादी भी कराऊंगा। अच्छा, तो एक काम और करना, अपनी मन पसंद का एक बुड्ढा छोड़कर उसी लगन में अपनी भी शादी कर लेना। क्या क्या कह गए तुम? उफ, दूर है वो आंचल जो पहुंचे तेरे आंसू, सो जा सो जा सो जा सो जा। दूर है वो आंचल जो पहुंचे तेरे आंसू, सो जा सो जा सो जा सो जा। तू तो रो भी सके मैं रो भी ना सकूं, सो जा सो जा सो जा सो जा। जो बहार आई थी एक दिन अरमां की तरह, जो बहार आई थी एक दिन अरमां की तरह, वो गई अपने आंगन से मेहमान की तरह। साथी वो भी नहीं, साथी तू भी नहीं, सो जा सो जा सो जा सो जा। दूर है वो आंचल जो पहुंचे तेरे आंसू, सो जा सो जा सो जा सो जा। के रह जाता है शिकवा होंठों के तले, आके रह जाता है शिकवा होंठों के तले। जिसको लूटा हो अपने ने किसका नाम ले, वीरा करके गया घर को घर का दिया, सो जा सो जा सो जा सो जा। दूर है वो आंचल जो पहुंचे तेरे आंसू, सो जा सो जा
सो जा तू तो रो भी सके मैं रो भी ना सकूं सो जा सो जा अनिल बेटा ये तू क्या पढ़ रहा है हिंदी ओ अंग्रेजी के जरिए अच्छा पढ़ पापा हाँ हम दीदी को भी सिस्टर बुलाएंगे ना हाँ बेटा दीदी को भी सिस्टर बुलाएंगे लेकिन मेरी दीदी कितनी बड़ी होंगी तू इसे थोड़ी बड़ी समझ ले के इतनी बड़ी तो फिर दीदी इधर क्यों नहीं आती तू बुलाता नहीं तू बुलाए तो आ जाएगी मगर मैं कैसे बुलाऊं क्यों अब तो तुझे लिखना आ गया ना एक चिट्ठी लिख और बुला ले अच्छा तो मेरे लिखने से आ जाएगी हाँ क्यों नहीं भाई अगर बहन को बुलाए तो जरूर आएगी तो फिर मैं अभी लिखता हूँ लिख बेटा पापा हाँ? मैं क्या लिखूं बेटा लिख प्यारी दीदी प्यारी दीदी देखो प्यारी दीदी मैं अब तक लिखना नहीं जानता था क्या हुआ ये इतना चला क्यों रही है अनिल की चिट्ठी आई है अनिल की लिखा हुआ दीदी तुम मेरे पास आती क्यों नहीं हो अगली छुट्टी में मेरे लिखा हुआ कितनी सुंदर है ना माँ मैं पापा यहाँ अच्छी तरह हैं नाना जी नानी जी और माँ को मेरा प्रणाम कहना अच्छा दीदी माँ मुझे याद करती हैं या नहीं छुट्टी का जवाब जल्दी देना और छुट्टियों में आके मेरे साथ रहना तुम्हारा छोटा भाई अनिल किसी ने पुकारा है जैसे मुझे को दहकते लबों से किसी ने पुकारा है जैसे मुझे को दहकते लबों से लहरा के आंचल खुशबू उड़ा के मेहंदी वाली हंसी उंगलियों से बढ़ाया तमन्ना का जान हर वक्त शोरगुल इतना शोरगुल मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है जाओ जाके अपनी पढ़ाई करो मेरी चिट्ठी दो नहीं जाओ यहाँ से वाह अनिल मुझे लिखी है ना दो बहस मत करो मैं बम्बई जाऊंगी क्या नहीं नहीं क्यों पापा और अनिल को देखने के लिए मेरा दिल नहीं करता क्या चुप रहे नहीं चुप रहूंगी उन लोगों की बातें करने से तुम नाराज क्यों जाती हो पापा का रिकॉर्ड क्यों नहीं बजाने देती वो लोग यहाँ आते क्यों नहीं बताओ चुप रहे रेखा ये क्या कर जरा सी बच्ची को मार दिया चुप हो जा बेटी अंजू ना चुप हो जा बेटा वाह 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 बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से अरे जो बोया है वही तो काटेगी ये समस्या तो तेरे सामने बार बार आने वाली है डराकर धमकाकर मार पीट कर आखिर तू इसका मुंह कब तक बंद कराएगी अगर ये अपने बाप को भाई को देखना चाहती है तो इसमें क्या बेजा है तू अपनी भावनाओं को छुपा सकती है लेकिन इस जरा सी बच्ची की भावनाओं को कैसे दबा पाएगी ठीक है भेज दो इसको मगर लिख दो कि तब तक के लिए अनिल को यहाँ भेज दे चुल्लिया ना बेटी हाँ अब तुझे तेरे पापा के पास जाने को मिलेगा बाज 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 हंस दे बेटी नाना की बेटी को हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे अनिल ये क्या हो रहा है लड़का अजय कहाँ है पता नहीं तुम ठीक से बात क्यों नहीं करते अरे मुझे देखकर मुंह क्यों चढ़ाते हो तुमने उस दिन मुझे मारा क्यों था तुमने मेरे बाल क्यों काटे थे मैं फिर से काटूंगा मैं फिर से मारूंगी कैसे मारूंगी तुम मेरे घर मत आया करो तुम बहुत पाजी हो क्या हो रहा है देख लो अपने सपूत की करतूत मुझे पाजी कहता है क्यों अनिल ये मुझे मारने दौड़ी थी रोज रोज क्यों मारती है बड़ी आई कहीं की छी बड़ों के मुंह नहीं लगते ऐसा करोगे तो दिल्ली से वापस नहीं बुलाऊंगा कह दूंगा वहीं रख ले जाओ जाके जूता पहनो लेने आने का टाइम हो रहा है बड़ा शैतान बच्चा है उफ, बाप रे बाप
पापा दीदी कहाँ हैं? वो उतर रही है बेटा, वो देख वो आ रही है। देख बेटा ये है तेरी दीदी। अरे ये अनिल। हाँ। इतना बड़ा हो गया। चल बेटे चलो आओ, चलो चलो चलो। अजय देखो ऐसा करो, पहले मुझे ड्रॉप कर दो फिर बच्चों को घर ले जाना। ठीक है ऐसे ही करता हूँ। अनिल ये ले गोली। हाँ जहाज में मिली थी ना, मैंने तेरे लिए रख दी थी, और भी बहुत सारी मिठाई लाई हूँ मैं दिल्ली से। अच्छा हाँ दीदी, जहाज में बड़ा मजा आता होगा ना। हाँ, जहाज बादलों के बीच में से निकल जाता है, जब तू जाएगा ना तो देखना। हाँ परसों तो जाना ही होगा। अनिल ये कौन है? माया तुमको नहीं मालूम? नहीं, तुमने पापा के साथ इतने फिल्मों में काम करते नहीं देखा? नहीं मुझे तो कोई फिल्म देखने ले ही नहीं जाता है। तुमने पापा की कोई भी फिल्म नहीं देखी? नहीं मैं तो रोज जाता हूँ, जब पापा शूटिंग पर चले जाते मैं और गोपाल दोनों जाते। अच्छा हाँ मुझे दिलीप कुमार शम्मी कपूर राज कपूर मुझे सबकी नकल करने आती है। अच्छा हाँ दीदी है ना बहुत पादी है, आजकल उसे काम वाम नहीं मिलता तो सीधा हमारे घर पे आ जाती है, खा खा के हमारा फ्रिज खाली कर देती है। फिर मुझे बोलती है मुझे मुझे आंटी बोल, मैं क्यों बोलूं? हाँ। और ये सिगरेट भी पीती है। अच्छा हाँ देख 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 दीदी मुझे तो डर लग रहा है। डर काहे का, पापा और गोपाल तो बाहर कहीं, चल हम लोग भी निकल जाए। लेकिन दीदी मुझे तो भूख लगी है। भूख लगी है? हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, चल किचन में जाके कुछ खा लें। चल चल नाश्ता कर ले, बड़ा मजा आएगा ना दीदी। हाँ। अजय अरे कोई आ रहा है, अब क्या होगा दीदी? चुप जा। लेकिन कहाँ? मेज के नीचे। गोपाल गोपाल अरे यहाँ भी कोई नहीं। मम्मी लगा लगा नाश्ता छोड़कर कहाँ चले गए? बड़ा था जो बहुत अरे अभी तो गर्म है, चल चल बैठ के खा ले। चलो घर खराब हो जाएगा। इसमें क्या है? दो लोग गरम हमें खा लो, खा लो काफी ऑमलेट है। हाँ हाँ खा 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 फिर। अरे खा जल्दी से। लेकिन ये लोग गए कहाँ? एयरपोर्ट तो जा नहीं सकते, प्लेन जाने में भी बहुत देर है। कहीं भी गए हो लेकिन आज से मैं फैसला करके ही जाऊंगी, क्योंकि मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती।
तुम दोनों की शादी अब हो ही जानी चाहिए। बड़ा बाजार तो इतना बड़ा फ्लैट पड़ा है और हम लोग बेकार वहाँ पे किराया भरते हैं। अरे शादी हो जाने पर हम लोग यहाँ पर रह जाएंगे, सब कुछ हमारा हो जाएगा, समझे? वो वाह 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 वाह, तो बहुत अच्छा बना है। मतलब आ गया मामी, अब मिलता बहुत सारे। अजय में कोई बुरी आदत भी नहीं है, इसलिए काफी नकदी जमा की होगी। हमें यहाँ रहने में कोई चिंता नहीं होगी, क्यों ठीक है मम्मी? अजय के बच्चे भी तो हैं। मार बच्चों को गोली, बच्चों को मार पीट के भगा देंगे उनकी माँ के पास, लेकिन वो तो हमेशा टाल जाता है। पता नहीं शादी करना चाहता भी है या नहीं। क्यों नहीं चाहेगा, चाहने को धर्म मुझे आता है। जरा पेपर में निकलवा देंगे ना, डर के मारे फौरन शादी करेगा। मम्मी, अरे कितनी बार का मम्मी ने कहा कर, मैडम कहा कर। हाँ हाँ कहा करूंगा। अंजू अनिल यहाँ आए क्या? यहाँ पर तो नहीं है, क्या बात है? पता नहीं कहाँ गायब हो गए, सुबह से गायब, मैं ढूंढते ढूंढते थक गया। अरे कोई उठा नहीं ले गया? पता नहीं, पुलिस में तो फोन किया था साहब ने, अब अस्पतालों में देखने के लिए गए। तब तो अजय का कोई ठीक नहीं, कब तक आएंगे? तो ऐसा कर, हम लोग चलते हैं, फिर आके बात कर लेंगे। हाँ आप लोग भी जाइए, मैं भी झाड़ू वाड़ू लगाऊं। चल चल। अरे देखो तो, देखो तो सही। ये लोग हंस क्यों रहे हैं? क्या कहा? मगन लाल को पकड़ना है। हाँ। उस शैतान के बगैर काम नहीं चलेगा। चल चल चल। जब लोग बाहर जाएंगे तब हम भी निकल जाएंगे। मैं आता हूँ। आना, तुम
तुम जाओ तो, मगर क्यों? बहुत जल्दी लगी। रेडिएटर से पानी लीक हो रहा है। हाँ हाँ, तो अब क्या होगा? जाते जाते गैरेज में दिखा देंगे। चलिए चलिए। हाँ, देर हो रही है। चल चल चल, अजीब मुसीबत है। चल उनके घर में जाके देखें, शायद कुछ खाने को मिल जाए। करते थे वैसे हम भी इनका आज फ्रीज खाली करेंगे। हाँ। अनिल तू हमेशा खाएगा? हाँ दीदी, मुझे बनाना आता है तो बनाना। तू ले चल, ले चल, जल्दी से चल। अरे ये अंडी का क्या करेंगे?
पानी ला। Yes, uncle from Bombay, for Rekha. Just hold on, please. Rekha, बेटी, Rekha. तुम्हारा ट्रंक कॉल है बॉम्बे से। बॉम्बे से मेरा ट्रंक कॉल? हाँ। हेलो, बोलो। अनिल नहीं आ रहा है, क्यों? दोनों बच्चे गायब हो गए, कब से? कहाँ चले गए? तुमने उनका ध्यान ही नहीं रखा होगा वरना। ठीक है, मैं आज ही बॉम्बे आती हूँ। हाय हाय, क्या हो गया? कहाँ गायब हो गए बच्चे? इसमें सरासर अजय की लापरवाही है। मुझे तो शक है माँ, बच्चों को वापस न भेजने का बहाना है और कुछ नहीं। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी से प्लेन की दो सीटें बुक करो बंबई के लिए। दो सीट? दूसरा कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। तुम वहां जाकर क्या करोगे? अरे वाह, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हारे जाने से बात छोटी नहीं हो जाएगी। तुम वहां जाकर खामखा टेंशन पैदा कर दोगी। बहस मत करो, मैं जरूर जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी, रेखा अकेली जाएगी। वो सोच समझ कर जो कुछ करेगी बिल्कुल ठीक करेगी। तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या समझो जरूरत है या नहीं? समझता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। जाओ अंदर जाकर बैठो। तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, और मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा मुंह पहले से बंद करके नहीं रखा, नहीं तो आज ये नौबत ही ना आती। तो क्या तुम मुझे? चुप रहो, अंदर जाओ, जाओ। देखा बेटी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम सफर की तैयारी करो, मैं सीट बुक कराता हूं। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो। हमने कुछ नहीं किया। घर से भागते हो? चलो ले चलो। कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। मैं जानती हूँ, पता चलेगा भी नहीं। क्यों? बच्चे खोए हों तो पता चले। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है, तुमने मुझे परेशान करने के लिए खुद ही कहीं बच्चों को छुपा रखा है। क्या? हाँ, मैं सब समझती हूँ। मैं अभी जाके पुलिस में कंप्लेन करती हूँ, पता चल जाएगा। ठीक है। नमस्ते जी, ये मेरे बच्चों की माँ है। नमस्ते। अच्छे माँ बाप हैं आप लोग, इस तरह बच्चों को अकेले रास्ते पर छोड़ दिया जाता है? अपने बच्चे आपको संभालना चाहिए पुलिस को। इधर हम अपने बच्चे की तलाश में लगे हैं, उधर शहर में चोरी डकैती हो जाए तो है? आइए पहचान लीजिए अपने बच्चों को। आइए, बच्चों को अपना नाम तक बताना नहीं सिखा सकते आप लोग? ना अपना नाम बताए, ना अपना माँ बाप का। अच्छी मुसीबत है। आप लोग बेफिक्र होकर घूमते रहिए और बच्चों को पुलिस संभाले खूब। देखो तुम्हारे माँ बाप आए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। बोलो किसके माँ बाप हैं ये लोग? आइए आइए, देखिए कौन से बच्चे आपके हैं। क्या ये सब बच्चे आपके हैं? जी नहीं, इनमें से तो एक भी नहीं है। मगर ये तो आपको माँ बाप कह रहे हैं। नहीं साहब। नहीं साहब क्या, ये आपको पहचान रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों को भी नहीं पहचानते। खूब। हमारे बच्चे इनमें नहीं है, क्या आप जबरदस्ती इन्हें हमारे घर डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम आपको मजबूर नहीं कर सकते, मगर सवाल ये है शहर में कितने लोगों के बच्चे खोए हैं, आप मुझे इनके माँ बाप ढूंढने पड़ेंगे। क्या मुसीबत है, आइए चलिए। वो लोग आ गए। अजय को ढूंढने में सारा दिन बेकार चला गया, मैं भी देखती हूँ कब तक छुपता है। हमको केले का छिलका, ये क्या हुआ है? उठा उठा उठा, इसका सत्यानाश हो जाए। ओ,
गया? किसने खाए ये सब? कौन आया था यहाँ पर? शायद कोई चोर आया होगा। चोर? हाय मानू की गई बर्बाद हो गई। क्या हुआ? अरे खुली यार मारी छोड़कर बाहर चली गई थी। चल चल देखे काम मेरा सामान बच गया तो मैं तुम्हारा जलसा करूंगी जलसा। हाय 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 भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है जेवर सब बच गए। अरे जेवर सब बच गए 10,000 रुपया इसमें था पापा। अरे कैसा था जैसा कि तेरा सामान पड़ा है कुछ भी नहीं रह गया। अरे मेरे ख्याल से बाहर से ही आया और वहीं से खा पी के चला गया क्यों है? लेकिन ये चोर आया कहाँ से? घर तो चारों तरफ से बंद था। छोड़ भी इसको कैसे भी आया होगा सामान तो सब बच गया तो आज मैं मर गई होती। अरे ये चादर तकिया ये सब कहाँ है? नींद नींद नहीं आती? नहीं दीदी मच्छर बहुत काटते हैं। शायद लगता है मैं सारी बिना नहीं सोया जाएगा। ये लोग घर में फ्री ही मारते हैं। नहीं मारती होंगी। चल मौका लगेगी तो इनकी मैं सारी भी ले आए। चल चम्मच चम्मच वाह खाना खा के क्या कर रही है? चल जब वो सो जाएंगी तब हम मसाली लेके आएंगे। चल हेलो बोलो बच्चों का कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आता क्या करूं। अनिल और अंजू ना मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम हो जाओगे पर मैं तो हो चुकी हूँ। न सोते बनता है न बैठते बनता है। क्या जाने वो लोग जिंदा भी है या नहीं। रेखा ऐसा ना कहो वो दोनों जिंदा हैं। मेरा दिल कहता है वो दोनों जिंदा हैं। भगवान हमें इतनी बड़ी सजा नहीं देगा। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि कोई उन्हें रुपयों के लिए उठा ले गया हो। रेखा मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। काश के कोई आके मुझे मेरे बच्चे दे जाए बस। खैर खबर मिले तो मुझे फोन कर देना। हेलो यस पुलिस स्टेशन। देखिए मैं मशहूर फिल्म हीरोइन माया देवी की माँ हूँ। माया देवी की माँ मेरे घर में चोरी हो गई है और चोरों ने मुझे बुरी तरह बांध दिया है। आपने किसी को देखा है? नहीं किसी को देखा तो नहीं। कुछ चोरी गया है? क्या सामान गया? हाँ मसहरी कहाँ है? अरे सुनिए सुनिए एक बता साहब हम दोनों के पलंग से मसहरी बनी हुई थी मच्छरदानी वो दोनों नहीं है उसको ले गया है चोर। अरे चोर तो रात को सोते ही नहीं वो भला बसेरी लेकर क्या करेंगे? क्या कहते हैं कि चोर सोते नहीं तो फिर कौन आया था? भूत तो नहीं? भूत वही होगा। देखिए हम चोर बदमाशों के मामले लेते हैं और भूत प्रेत हमारे अंडर में नहीं। आप किसी ओझा या वैद्य को बुला लीजिए समझी। गुड नाइट।
गया दीदी, मेरे पास 5 रुपए है ना। चलो हम बाहर चले, जो चाहे मर्जी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो चलो, बड़ा मजा आएगा। अच्छा है दीदी, पापा मुझे दिल्ली नहीं भेज सकते। हाँ, मगर पापा तो बहुत परेशान हो रहे होंगे, उन्हें शायद माँ को भी खबर कर दी होगी और माँ भी परेशान हो रही होंगी। होने दो, जितना परेशान होंगी उतना ही अच्छा। ऐसा क्यों कहता है? फिर हमको अलग अलग क्यों रखते हैं? मुझे तुमको छोटा लग रहा ना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। झगड़ा तो उन लोगों का, इसमें हमारा क्या कसूर? हाँ, अभी अच्छी तरह पता चलेगा उन लोगों को। ये लो दीदी। ना पापा ना, मेरा तो पेट भर गया। अभी तो इतने सारे चीकू पड़े हैं, खाओ ना। मालूम ज्यादा खाने से तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए तो कहती थी इतने सारे चीकू मत खरीद। फिर फेंक दे। फेंक के दो, सामने जो गाय खड़ी है उसको देते हैं। हाँ हाँ, दे दे। अरे दीदी, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ती। चीकू दे दे। चोर लोग क्या क्या हरकतें करते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, चोरी किस कमरे में हुई? इस सामने वाले कमरे में, बेडरूम में। इसमें? जी हाँ। अच्छा, आप लोगों के अलावा इस घर में और कौन रहता है? कोई भी नहीं। हाँ, मैं और मेरी बेटी माया। क्यों, नौकर चाकर? नहीं, नौकरों से मैं बहुत डरती हूँ। जितना काम नहीं करते उतना माल की सफाई कर जाते, इसमें नहीं रखती। आवाज आ रही है। आवाज? आवाज जरूर कोई होगा। चोर होगा, फिर वही चोर आया होगा। इस बेडरूम में जाके छुप कर बैठा होगा। आया बेडरूम में? जी हाँ जी हाँ, देखिए देखिए। जानी, कोई बात नहीं है। मैं कुत्ता है। हाँ, शायद आप लोगों के होगा। अरे जी नहीं, हम लोगों ने कोई कुत्ता सुत्ता नहीं पाला है। तो क्या है? उसका कुत्ता है क्या? मालूम हमारा नहीं है। अभी तक कुछ पता नहीं चला। अपना दुर्भाग्य और क्या कहूँ। दुर्भाग्य? दुर्भाग्य के नाम पे मैं से माल लेने को तैयार नहीं।
तुम थोड़ी सी सावधानी बरतते तो ये नौबत नहीं आती। जैसे भी हो मेरे बच्चे लाके दो। कहां से लाकर दूं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बच्चे सिर्फ तुम्हारे हैं और दुख भी अकेले तुम्हारा है। तुम्हें क्या दुख है? मुझे कोई दुख नहीं। तुम्हारा क्या? तुम तो माया के साथ शादी करके सुख से जीवन बिताओगे, मगर मैं बिना बच्चों के किसके सहारे जीऊंगी? मैं माया से शादी करूंगा? हाँ, यही तो खबर छपी है। छपी होगी मगर झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई क्यों नहीं? इसीलिए तो तुम मुझे इतना सता रहे हो। पानी, 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 पानी। इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम करेंगे? कोई काम नहीं करूंगा जी, कोई काम नहीं करूंगा। देख नहीं रही है किस तरह आप रहा हूं? बाप रे, पानी, पानी लाओ, ठंडा पानी लाओ। अल्लाह अल्लाह। हाँ, आप कहिए। मुझे लगता है इन्होंने जानबूझकर मेरे बच्चों को कहीं छुपा के रखा है। हैं? आप ठीक जानती हैं? मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास से काम नहीं चलता, सबूत चाहिए। सबूत है आपके पास? अगर आप मेरी मदद करें तो मैं साबित कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ एक सिपाही लेकर। लेकिन जाना कहाँ होगा? एक औरत है जिससे ये शादी करने वाले हैं। हैं? आप शायद उसे जानते होंगे, बड़ी नामी हीरोइन है। कौन? माया देवी। कौन? माया देवी। माया देवी? जी हाँ। नहीं 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 नहीं, वहाँ एक पुलिस से काम नहीं चलेगा। अरे तुम लोगों, ये जानवर कहाँ गए सर? जानवर? आप मेरे बच्चों को जानवर कहते हैं? हाँ, आप समझे नहीं, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ बैल, भेड़े, कुत्ते और दो दो देवियाँ छोड़कर गया था। अब अकेले तो सब गायब, कहाँ गए सब? अरे मुझे तो पहले ही दिल का दौरा है, ये बैल था या अमदूत? अरे बेटा देखो ना, कलेजा उछल रहा है, दौड़ दौड़ के जान बच गई। यहाँ चुपे बैठे हो, चलो नीचे चलो। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। नीचे चलो, रोते क्यों है? चुप रहे, यहाँ चुपे बैठो और हम शहर तलाश कर रहे तुम लोग। चुप। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। देखा,
बच्चे मिले कि नहीं? मैं तो पहले ही जानती थी तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो, इसीलिए मुझे शक हुआ कि बच्चे माया के घर में मिलेंगे। लेकिन रेखा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं जानता। कोई बात नहीं, अब जान जाओगे। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने मेरे बच्चों को भगा कर छुपा रखा है, गिरफ्तार कर लीजिए इनको। हमको क्यों गिरफ्तार कर लेंगे? हम कोई चोर है, उसमें कोई शक है? अब थोड़े दिनों के लिए जेल की हवा खाओ जाके। अरे जा जा, पड़ी रही जेल भजवाने वाली हमें। कैद की सजा होती है तो पहले बच्चों के बाप को पकड़ो जिसने मेरे घर में बच्चों को छुपा कर भूतों का हंगामा करवाया, सारे घर का सत्यानाश कर दिया। अरे हाँ, बड़ा धोखेबाज आदमी है, मेरी बेटी से 5-6 साल से वादा कर रहा है शादी करूंगा और शादी करने का नाम नहीं लेता। ऐसे मैंने कभी नहीं कहा। अरे 85 बार तूने ऐसा कहा। तू समझता है कि मेरी बेटी से बड़ा प्यार मोहब्बत करती है? तेरे मुँह पर ऐसे ऐसे हीरो मैंने बहुत देखे हैं जो गाड़ियों में आते हैं और चप्पल घर से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है बच्चों को इन्होंने छुपाया था, जरूर कोई बुरी नियत होगी। अरे फिर वही बात, माल खींचना चाहती होंगी। अरे आप माल खींचना चाह रहे हैं? हम चुप रहिए। हाँ, उस दिन ये कह रहे थे माया की शादी के बाद हमारा घर सब इनका हो जाएगा, मुझे और अनिल को निकाल देंगी। मैं इसके नीचे छुपे छुपे हमने सब सुना था। अरे बिल्कुल बना बनाया मामला है, सारा खानदान हम पर धावा बोल दिया है। इंस्पेक्टर साहब, आप तो कुछ बोलिए कानून की तरफ से। मुझे बोलने की क्या जरूरत है? मैं चाहूँ तो आप दोनों को गिरफ्तार करके ले जा सकता हूँ। तो देखते क्या है, गिरफ्तार कीजिए। ठहरिए, बच्चों से तो पूछने दीजिए। बच्चों, तुम लोगों को यहाँ कौन लाया था? ये मैं लाई थी। कब लाई थी, कैसे लाई थी? हम तुम्हारी गाड़ी में छुपके बैठ गए थे, तुम ले आई। गाड़ी में छुपके बैठ गए थे? हाँ, सुन लीजिए, देखिए आप इस घर से चले जाइए, नहीं तो मैं दावा कर दूंगी इज्जत का लेने के देने पड़ जाएंगे। चल झूठी कहेंगी, चलिए चलिए। वाह, चलो सो जाओ। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना, सब दरवाजों में ताला लगाए। दीदी सो जाओ, तो मैं अंदर जाके सो सकती हूँ। बैठो ना थोड़ी देर, आखिर कल तो चली ही जाओगी। ये फ्लैट जब बनवाया था तो तुम्हें नहीं बताया था, सोचा था तुम्हारे जन्मदिन पर बताकर अचानक तुम्हें चकित कर दूंगा। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बनाया है, दीवारों का रंग, पर्दे, फर्श, कालीन, फर्नीचर, सब कुछ जैसा तुम चाहती थी। 4 साल बीत गए, मेरी जिंदगी में सुख शांति का नाम ही नहीं रहा। एक बात पूछूं, तुम्हें अकेले रहकर शांति मिली क्या? तुम्हें ये जान के क्या मिलेगा? नहीं, यूं ही, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को दुखी करके शांति पाते हैं, तुम भी उन्हीं में से हो सकता है। मगर अब ये जांच पड़ताल से क्या फायदा कि मैं किन लोगों में से हूँ? तुम जिस तरह चाहो अपनी जिंदगी संवारो, मैं मना नहीं करूंगी। लगता है हम लोग पहले की तरह बनावटी झगड़ा करने लगे, काश कि ये बनावटी झगड़ा ही होता। अच्छा रेखा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी जिंदगी के कुछ साल निकाल फेंकें और वापस उन्हीं पुराने दिनों में पहुंच जाएं? क्यों रेखा, बोलो। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है, अकेले हैं शहनाया चुप हैं तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में चमन सा डोलता है। आज घर हमने घर हमने
मिलन के रंग से संवारा है। अनिल, अंजू, मेरे बच्चों, इस तरह दौड़ते हैं क्या? प्लेन से टकरा जाते तो? मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा पापा, अनिल मेरे साथ रहेगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तू मेरा राजा बेटा है ना, हमेशा मेरा कहना मानता है। जा, मम्मी के साथ जा, एक महीने के बाद तू वापस आ जाएगा। अंजू बेटी, इसे जाने दे। जा अनिल, जा, वरना माँ को दुख होगा। मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलूंगा, चलो। नहीं बेटा नहीं, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। अब मैं दिल्ली नहीं जा सकती। आज मेरी समझ में आ गया कि मेरी जिद ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। इसी जिद की वजह से आज मैं अपने बच्चे खो बैठती। इसी जिद ने हम लोगों को जिदा कर रखा था। आज मेरा सारा अभिमान टूट गया। अजय, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? ये तुम क्या कह रही हो रेखा? मैं ठीक ही कह रही हूँ। मेरा घर, मेरा संसार दिल्ली में नहीं, यहाँ है। चलो मुझे मेरे अपने घर ले चलो, चलो।